द ऑयल इन विक ऑफ ए लैम्प राइजेस ड्यू टू, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर फोर, कैपिलरिटी। ये कैपिलरिटी की वजह से जो है ये पॉसिबल होता है। अगर कैपिलरी एक्शन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी इन ए नैरो ट्यूब और पोरस मटेरियल, ये इसका डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो विक होता है लैम्प का, ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो है कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करता है, जिसके वजह से जो है ऑयल जो है ये ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में जाके ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पे जो है ऊपर तक ये ऑयल जो है ये पहुंचाता है, जिसके बाद जो है लैम्प जलता है। तो किसके वजह से पॉसिबल है, तो ये जो है कैपिलरी एक्शन या फिर कह सकते हैं कैपिलरिटी के वजह से ये पॉसिबल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन ऑकर व्हेन लाइट पासेस थ्रू, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर वन, डेंसर टू रेयर मीडियम। हरदम ये ध्यान रखना, लाइट जब डेंसर टू रेयर मीडियम पास होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये पॉसिबल है। ये क्वेश्चन काफी बार बना है, रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ, इवन रेलवे के एग्जाम अगर हम छोड़ भी दें तो इसके अलावा भी काफी सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं। When a body is in free fall under gravity, its apparent weight will be, तो इसका सही जवाब है यह है जीरो, इसका apparent weight basically जीरो होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, तो यहाँ पे दो तरह के फोर्स यहाँ पे एक्ट करते हैं, एक है नीचे की ओर जो है ग्रेविटेशन फोर्स, ये सभी को पता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में और एक फोर्स काम करता है जो कि है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर एक लिफ्ट है ये टूट गया है, नीचे की ओर गिर रहा है, इसके अंदर जो पर्सन है ये वेटलेसनेस फील करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो लिफ्ट है ये एयर में प्रेजेंट है, भले ही ग्रेविटेशन फोर्स नीचे का और काम कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है इसके अगेंस्ट में जो है ये काम नहीं कर रहा होता, जिसके वजह से इसे वेटलेसनेस फील होता है। तो यहाँ पे जो एपरेंट वेट होता है ये होता है जीरो। व्हेन वाटर गोज फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, इट विल, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर टू, इट विल एक्सपेंड, ये जो है एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में, ये सभी को पता है। तो मूविंग फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इट विल एक्सपेंड, विच इज अनयूजुअल टू लिक्विड, तो ये अनयूजुअल है लेकिन ये होता है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से ये अनयूजुअल है, इसी वजह से इसे एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कहा जाता है, या फिर एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर जो है ये कहा जाता है। इन एंडोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज यूज, तो एंडोस्कोपी में कौन सा फेनोमेना यूज किया जाता है, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर फोर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है फेनोमेना यहाँ पे यूज होता है। एंडोस्कोपी में बेसिकली क्या होता है ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, किस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है। तो एंडोस्कोपी जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो है बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली इमेज ट्रांसमिट करता है जो हॉलो ऑर्गन से, मान लीजिए स्टमक में अगर हमारा कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या करता है, एंडोस्कोपी के थ्रू जो है स्टमक के जो इंटरनल जो यहाँ पे पार्ट्स हैं उनको जो है एनालिसिस करता है। तो ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से पॉसिबल होता है, जिसके वजह से जो है ये इमेज जो है इंटरनल जो इमेज है हॉलो ऑर्गन का इसे जो है इमिट कर पाता है। 1 angstrom इज इक्वल टू, 1 angstrom इक्वल्स टू कितना होता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, 0.1 नैनोमीटर ये होता है। कभी कभी देखिए एग्जाम में क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद अगर मीटर में दे दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना 10^-10 मीटर ये होता है। तो ये भी आप बिल्कुल नोट डाउन कर ले, क्योंकि मीटर जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट है, तो इसके थ्रू भी अगर क्वेश्चन ऐसे भी ऑप्शन में अगर प्रेजेंट रहे तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर कन्वर्ट भी आप कर सकते हैं, 0.1 नैनोमीटर है तो ऑब्वियसली आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो 10^-10 मीटर ये जो है इसका सही जवाब होगा अगर मीटर में दिया गया है। चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई जो है, फोकल लेंथ ऑफ आई जो है इसे चेंज बेसिकली कौन कर पाता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है सिलेरी मसल। सिलेरी मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके जो है ये फोकल लेंथ जो हमारा लेंस प्रेजेंट है आई में उसका जो है फोकल लेंथ को बढ़ाता और कम करता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आई के कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, आई के जो दोनों कॉर्नर में जो है ये सिलेरी मसल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर इंडिकेट्स, तो अगर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन है तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये बेसिकली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है ये इंडिकेट करता है। तो अगर हम मान लें पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन है तो ये इंडिकेट करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन अगर होगा तो ये इंडिकेट क्या करेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है इसमें फॉर्म होगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये नोट डाउन बिल्कुल कर लें, वाइस वर्सा भी आपको नोट डाउन करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ पे साथ में डिस्कस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर एंड फोकल लेंथ जो है ये क्या होता है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पावर नेगेटिव होता है या फिर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ भी इसका पॉजिटिव होता है, पावर भी पॉजिटिव होता है। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ।
ये ध्यान रखना, पावर ऑफ लेंस जो होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो अगर पावर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ जो है ये पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन कॉन्केव लेंस में ये याद रखना दोनों नेगेटिव होता है, पावर भी नेगेटिव होता है और साथ में फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम देखें तो पावर भी पॉजिटिव में होता है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में होता है, लेकिन कॉन्केव लेंस में अगर हम देखें तो पावर नेगेटिव होता है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस लीड्स टू, तो अगर आई का जो लेंस है इसमें अगर एक्सेसिव कर्वेचर प्रेजेंट हो, एक्सेसिव कर्वेचर इसमें जो है किसी डिफॉल्ट की वजह से अगर फॉर्म कर रहा हो तो इसके वजह से क्या होता है, तो इसका सही जवाब है ये है मायोपिया। इसके वजह से जो है मायोपिया होता है, इसे नियर साइटनेस जो है इसे कहा जाता है। विच अमेरिकन साइंटिस्ट शोड दैट लाइटनिंग एंड स्पार्क फ्रॉम योर क्लॉथ्स आर एसेंशियली द सेम फेनोमेना, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनके द्वारा ये कहा गया था, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे विंटर्स में जो हम विंटर क्लॉथ्स पहनते हैं ये क्या करते हैं हमारे बॉडी से जो है चार्ज एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जिसके बाद जब हम इन विंटर क्लॉथ्स को उतार रहे होते हैं तो ये हमारे जो है बॉडी हेयर्स को जो है ये अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा जो है स्पार्क क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ये जो है क्रैकिंग साउंड भी जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका सही जवाब है ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने कहा था कि लाइटनिंग एंड स्पार्क फ्रॉम योर क्लॉथ्स आर एसेंशियली द सेम फेनोमेना, क्योंकि ये जो है चार्ज एक्यूमुलेट जो है करते हैं, जिसके बाद ये स्पार्क जो है क्रिएट करते हैं। Which of the following is not an example of heating effect of current? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको इसका सही आंसर नहीं पता होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। इस तरह क्वेश्चन बार बार रेलवे पूछता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक आयरन हीट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी करता है, इलेक्ट्रिक केटल भी करता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्किंग ऑफ फैन। वर्किंग ऑफ फैन जो है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप बिल्कुल आंसर तक पहुंच सकते हैं। Which of the following used to detect cracks and flaws in metal blocks? तो इसका सही जवाब है यह अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इनको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। तो अल्ट्रासाउंड को जो है इसे यूज किया जाता है टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। अगर कोई मेटल ब्लॉक में अगर क्रैक्स हैं, फ्लॉज हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो है अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, जिसके वजह से ये डिटेक्ट किया जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई क्रैक्स या फिर फ्लॉज जो है इस मेटल ब्लॉक में प्रेजेंट है। ऐसा यूनिट ऑफ साउंड वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिसिस्ट, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। ये क्वेश्चन रिसेंटली कोई एक एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे भी कवर अप कर दिया है हमने। जिस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिसेंटली, उस तरह क्वेश्चन भी यहाँ पे डिजाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है कि एग्जाम बाकी सारे एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी तरह का ट्रेंड्स जो है बाकी सारे एग्जाम भी फॉलो करते हैं, तो इसीलिए जो है इस क्वेश्चन भी कवर किया गया है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ साउंड जो है इसे जो है बेसिकली हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पे जो है इसे रखा गया है। साउंड ऑफ साउंड डैश एज इट पासिस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस मीडियम, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2, डिक्रीज। अगर हम साउंड देखें सबसे फास्टेस्ट ये जो है सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करते हैं, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस में। तो अगर साउंड जो है अगर ये सॉलिड से गैसियस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट ने यह कहा था कि ये जो 1000 क्वेश्चन आपने बेस्ट क्वेश्चन लिया है इसका एक बुकलेट बना दे और ये पूरा 1000 क्वेश्चन हमें दे दे कम से कम रेट में। इसलिए हमने एक कोशिश किया है कि इसका बुकलेट बना दिया, जो 1000 बेस्ट जनरल साइंस का जो ये बुकलेट है इसे बना दिया गया है और सबसे कम रेट लॉन्च किया है, सिर्फ 40 रुपीज में लॉन्च किया है। हम चाहते तो इसे 100 रुपीज में भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हम चाहते कि हर एक स्टूडेंट जो इन बुकलेट को ले, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है, पूरा यहाँ पे 2 से 3 महीने हमने बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया है, 4 महीने टोटल लगे हैं बुकलेट को बनाने में। इस वजह से जो है हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट जो कि आगे चल के RRC ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला है वो जो है इस बुकलेट को जरूर ले, क्योंकि इस बुकलेट में बेस्ट आपको 1000 क्वेश्चन मिलेगा, आंसर हमने वहाँ पे मार्क कर दिया है, वीडियो साथ में आप देखते रहें तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो ये बुकलेट जरूर लें, पूरा 1000 क्वेश्चन जो हमने बनाया है 10 वीडियो में हमने कवर अप किया है, तो उसका एक बुकलेट बना दिया है, पूरा 1000 क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। 40 रुपीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम निकालना है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 25 मार्क्स का जनरल साइंस आने वाला है, इसीलिए जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकता था 1000 जो हमने सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो बनाया है ये बनाया है, इस बुकलेट को जरूर ले लेना ताकि आप क्वेश्चन भी देखते रहें, कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर अप कर सकेंगे, वीडियो भी देखते रहें, साथ में इन सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे से एनालिसिस करें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लें। तो ये बुकलेट को लेना कैसे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, और जैसे आप 40 रुपीज़ पे करते हैं उसके बाद जो है आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि सही मेल आईडी दे, नाम, फोन नंबर, मेल आईडी आप जब दे रहे होंगे तो सही मेल आईडी देना, उसी मेल आईडी में फाइल भेजा जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद जो है ये फाइल आपके मेल आईडी में आ जाता है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात, इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चंस जो है ये जनरल अवेयरनेस से भी आने वाला है, तो 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का MCQs जो है इसे भी बिल्कुल आप ले सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट जो है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हमने कवर अप किया, ये 25 रुपीज़ में अवेलेबल है,
तो इसे भी आप ले सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक में क्लिक करना है, नाम फोन नंबर ईमेल आईडी भरना है। जैसे ही आप 25 रुपीज पे करते हैं तो 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस एमसीक्यू का भी बिल्कुल आप ये बुकलेट ले सकते हैं। ध्यान रखना 25 मार्क्स का जो है जनरल साइंस आने वाला है, इसके अलावा जो है 20 मार्क्स का जो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है, तो 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू का जो बुकलेट है इसे भी आपके लिए बना दिया गया है, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। अलग अलग लेने से बेहतर है कि आप दोनों एक साथ ले लें, 1000 बेस्ट जनरल साइंस का जो बेसिकली एमसीक्यू है साथ में आंसर, और यहाँ पे 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का जो एमसीक्यू है साथ में आंसर। आंसर यानी कि एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, आंसर वहाँ पे मार्क कर दिया गया है कि कौन सा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपको वीडियो में आके पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। लेकिन कम से कम टाइम में अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, 1000 अगर जनरल साइंस का बेस्ट क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके पास एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। आपको समझ में आएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछते आए उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डाला है, उस सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद सारे इसी तरह क्वेश्चंस को जो है इसमें फ्रेम करके डाला गया है। तो बुकलेट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोशिश ये करना कि ये कॉम्बो लिंक वाला जो बुकलेट है 60 रुपीज में अवेलेबल है, अलग अलग लेंगे तो ये 65 रुपीज पड़ेगा। बेस्ट रहेगा कि 60 रुपीज में दोनों बुकलेट आप बिल्कुल ले लें। तो जो भी हमने डिस्कशन करना था आपके साथ कर लिया है यहाँ पे। जो भी अगर आपको बुकलेट लेना है कम से कम टाइम में, अगर आपको जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस अच्छा से प्रिपेयर करना है तो बुकलेट आप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चॉइस आपका है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि ये बुकलेट आपको लेना ही है। बिना बुकलेट लेके भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम टाइम में अगर आपको करना है तो बुकलेट आप बिल्कुल ले सकते हैं। बिना बुकलेट अगर नहीं लेना है तो वीडियो पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी बिल्कुल जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, रेक्टिफायर। देखिए ये जो क्वेश्चन है जो रेलवे में जो सिलेबस दिया गया है, ये दिया गया है कि क्लास 10 तक पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी जो है रेलवे थोड़ा सा जो है अपर लेवल का पूछता है। लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहते हैं, 2-3 ही क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए भी कवर अप कर दिया गया है। तो अल्टरनेटिंग करंट को जो डायरेक्ट करंट में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये जो है रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है। फॉर कम्युनिकेशन एलिफेंट कैन मेक नॉइजेस एज लाउड एज 103 डेसिबल, बट दे ऑफन यूज लो फ्रिक्वेंसी साउंड, सम ऑफ दिस पास फ्रॉम द ग्राउंड, द साउंड इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के कुछ जो है कुछ एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन रिसेंटली ही पूछा गया था। तो इस साउंड को जो है इसे इंफ्रा साउंड कहा जाता है, जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड है इसे इंफ्रा साउंड कहा जाता है, और इसी के थ्रू जो है एलिफेंट्स ये कम्युनिकेशन करते हैं। वाट अ ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है कि ट्रांसवर्स वेव होते क्या है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव अगर हम देखें तो ये इस तरह के होते हैं, इस तरह के जो है ये वेव्स होते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स, तो इस तरह के होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव ध्यान रखना ये इस तरह के होते हैं। तो दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2, इन दिस वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। ये बेसिकली इसका सही आंसर है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं, इन दिस वेव द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू आपको बताया था कि जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं ये इस तरह जो है ये ट्रैवल करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है बेसिकली अगर हम देखें तो ये इस तरह जो है ये ट्रैवल करते हैं। तो यहां पे आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंस पूछा रहा होगा तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्स होगा, और यहाँ पे अगर सेम सब्सटेंस पूछा हुआ होगा तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स होगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, एक्सेलरेशन। ग्राफ बना लेते ताकि आसान हो आपको समझने में। यहाँ पे टाइम हो गया ये, और ये हो गया वेलोसिटी। तो ये जो स्लोप है बेसिकली ये किसे इंडिकेट करता है, ये एसलेशन को इंडिकेट करता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, एसलेशन। एसलेशन का थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन भी नोट डाउन कर लें ताकि आपको और ज्यादा आसान हो एग्जाम में, अगर इस तरह क्वेश्चन और कोई ट्विस्ट करके पूछा जाए। तो एसलेशन का जो डेफिनेशन है ये है, एसलेशन इज द रेट एट विच वेलोसिटी चेंज ओवर टाइम। तो ये जो है ये डेफिनेशन है एसलेशन का। इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, देन द लिनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी। तो लिनियर मोमेंटम सबसे पहले होता क्या है, लिनियर मोमेंटम इक्वल्स टू जो है ये होता है एम इंटू वी होता है, एम वी होता है। क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम मास को डबल कर दें तो 2m कर देते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी को अगर हम हाफ कर दें, ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी जो है ये एम वी होगा। तो यहाँ पे जो है ये रिमेन अनचेंज होगा, यहाँ पे कोई चेंज आपको लिनियर मोमेंटम में देखने नहीं मिलेगा। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1, रिमेन अनचेंज। तो इसी तरह का सिंपल अगर आपको फॉर्मूला भी पता है ना तो भी आप बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल इसे आराम से कर सकते हैं। तो लिनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। यहाँ पे अगर बॉडी को ट्रिपल कर दिया जाए, वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए, तो यहाँ पे आप पुट ऑफ करके देख सकते हैं कि लिनियर मोमेंटम में क्या चेंजेस आ रहा है। एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1, इनर्सिया ऑफ मोशन। ये इनर्सिया ऑफ मोशन की वजह से जो है ये पॉसिबल होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनर्सिया ऑफ मोशन बेसिकली अगर हम देखें
मान लीजिए एक स्प्रिंटर है, फॉर एग्जाम्पल उसेन बोल्ट, ये अगर 100 मीटर दौड़ रहे हैं, 100 मीटर का लाइन क्रॉस करने के बाद जो है ये थोड़ा और आगे जो है दौड़ते हुए चले जाते हैं, ये होता है बिकॉज ऑफ इनर्सिया ऑफ मोशन। इनर्सिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप सडनली रादर देन इट कंटिन्यूज टू मूव ओवर सम डिस्टेंस, ये होता है इनर्सिया ऑफ मोशन। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये सबसे जो है कम कहाँ पे होता है, ये इक्वेटर में सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही फार्मूला अगर आपको पता है तो फिर यहाँ पे आराम से आप इसे जो है इसे इसका भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है स्मॉल जी इक्वल्स टू एम बाय जी आर स्क्वायर, ये होता है बेसिकली इसका फार्मूला। तो ये आर स्क्वायर है, तो आर जो है जितना ज़्यादा बड़ा होगा इक्वेटर में जो है, यहाँ पे अगर रेडियस देखे, यहाँ पे सॉरी अगर डायमीटर देखे तो इक्वेटर में डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे रेडियस यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम देखने मिलेगा हमें, इस वजह से जो है यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सबसे ज़्यादा होता है। और पोल्स में जो है यहाँ पे अगर हम देखें, पोल्स के नज़दीक जितने जाते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे डायमीटर कम होगा, तो रेडियस भी यहाँ पे ऑब्वियसली कम होगा, तो यहाँ पे जो है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये सबसे ज़्यादा होगा। तो पोल्स में ज़्यादा होता है, इक्वेटर्स में ये कम होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी हैविंग सम मासेस। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसी वजह से जो है इसे हमने यहाँ पे कवर अप किया है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इट गिव्स ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी हैविंग सम मासेस। व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी, तो इसका जो टोटल एनर्जी है ये हरदम जो है ये कंजर्व रहता है, या फिर कह सकते हैं इट रिमेन कॉन्स्टेंट। बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो बॉडी है ये हरदम कांस्टेंट रहता है, इसी वजह से इसका जो सही आंसर है ये है रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये इसका जो सही आंसर है ये है इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। नोट इज ए साउंड, तो नोट जो है, नोट एक क्वेश्चन ये बनता है, नोट के बारे में पूछा जाता है और टोन के बारे में पूछा जाता है, टोन के बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो नोट इज ए साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, तो नोट जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखना। उसके अलावा जो है एक टोन भी पूछा जाता है जिसको हम आगे चल के कवरअप करेंगे, उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने कवरअप किया है। तो ये नोट डाउन बिल्कुल कर लें, नोट इज अ साउंड और मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। अर्थक्वेक प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर मेन शॉक वेव्स, तो अर्थक्वेक जो है ये सबसे पहले कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है बिफोर द मेन शॉक वेव, तो इसका जो सही जवाब है ये है इंफ्रासाउंड। अर्थक्वेक जो है सबसे पहले जो है ये इंफ्रासाउंड जो है ये प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद जो है ये मेन शॉक वेव जो है इसके बाद आपको देखने मिलता है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर टू इंफ्रासाउंड। वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग बिकॉज, तो फॉग अगर हुआ हो, अगर वेदर जो है ये फॉगी है तो इसके थ्रू जो है देखना क्यों दिक्कत होता है, क्योंकि ये जो लाइट्स होता है ना ये स्कैटर हो जाते हैं, जो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉग में प्रेजेंट होते हैं, इसके वजह से जो है ये लाइट स्कैटर हो जाते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, जिसके वजह से फॉग में जो है ये देखने में दिक्कत होता है। तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर फोर, लाइट स्कैटर्ड बाय द ड्रॉपलेट्स। माउंटेन सिकनेस एट हाई ऑल्टीट्यूड इज ड्यू टू, तो माउंटेन सिकनेस जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, इसी वजह से जो है यहाँ पे माउंटेन सिकनेस जो है बहुत सारे इंसान में जो है ये देखने आपको मिलता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि दो अलग अलग केसेस हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बस नोट डाउन कर ले दोनों अलग अलग केसेस को, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगर क्वेश्चन बने व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, तो इसका सही जवाब होगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये जो है लो पोटेंशियल से लेकर हाई पोटेंशियल की ओर जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बने व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम, तो इसका सही जवाब होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक करंट अगर देखे तो ये हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल की ओर जो है ये मूव करते हैं। तो दोनों केसेस को अलग अलग नोट डाउन जरूर कर लें। इफ साउंड ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज इज, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है ये इंडिपेंडेंट है ऑफ रिफ्रैक्शन, इस वजह से जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ये अनचेंज रहता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका सही जवाब है ये है ऑस्टर्ड, तो ऑस्टर्ड के द्वारा जो है ये डिस्कवर किया गया था, ये भी क्वेश्चन रिसेंटली बना था कोई एग्जाम में, तो जरूर ध्यान रखना। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये कहां से कहां तक मूव करते हैं, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर टू फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ की ओर जो है ये मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मैग्नेट के अंदर है ये जो है साउथ से लेकर नॉर्थ की ओर जो है ये मूव करते हैं। वाटर स्टोर्ड इन अर्दन पॉट बिकम कूल इन समर बिकॉज ऑफ, तो इसका सही जवाब है ये है इवापोरेशन,
इवापोरेशन की वजह से जो है कूलिंग इफेक्ट जो है इवापोरेशन प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से जो है जो अर्दन पॉट में जो पानी रखा रहता है ये जो है ये कूल हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किस तरह होता है ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। जैसे अर्दन पॉट है जो मिट्टी के जो घड़े बनाए हुए होते हैं, इसमें छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं, बहुत सारे टीनी होल्स होते हैं जिसमें से वाटर धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा वाटर जो है ये सीप होता है, और ये वाटर जब इवापोरेट होते हैं इसके वजह से जो है ये कूल जो है ये वाटर हो जाता है। क्योंकि इवापोरेशन जो है अगर देखें तो इवापोरेशन जो है ये कूलिंग इफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस करता है। गॉस इज यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, तो गॉस जो है ये किसका बेसिकली क्वांटिटी है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर टू, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका जो है ये क्वांटिटी है, इसका जो है ये यूनिट है हम ये कह सकते हैं। नो करेंट विल फ्लो बिटवीन टू चार्जेस ऑफ बॉडी इफ दे हैव द सेम। देखिए करंट जब भी फ्लो होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, सेम पोटेंशियल हो, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर थ्री, पोटेंशियल, अगर सेम पोटेंशियल है तो यहाँ पे करंट का भी फ्लो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। राइट हैंड थंब रूल वॉज गिवन बाय, तो राइट हैंड थंब रूल जो है किनके द्वारा दिया गया है, सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं, फ्लेमिंग इसका सही जवाब देके आते हैं, इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर फोर, मैक्सवेल, तो ये मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखना राइट हैंड थंब रूल पूछा गया है, ये जो है मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे ये राइट हैंड थंब है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये देखें ये थंब जिसके और है ऊपर की ओर है, तो ये जो है क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो हमने उंगली मोड़ रखा है इस तरफ, ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर की ओर जो थंब है ये डायरेक्शन किसका डायरेक्शन शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो उंगली जो मुड़े हुए हैं ये किसका डायरेक्शन जो है शो कर रहे हैं, ये जो है डायरेक्शन शो कर रहे हैं ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये थंब को मान लीजिए डिसलाइक जैसे करते हैं, वो ऐसे भी कर दें तो भी जो है डायरेक्शन ऑफ जो है मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा और डायरेक्शन ऑफ करंट आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो को आपको लाइक करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है, बहुत अच्छा से जो है यहाँ पे चीज़ों को आपको समझाया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कहाँ पे स्ट्रांग होते हैं, ये जो है अगर हम देखें तो ये पोल्स में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। पोल्स में स्ट्रांग क्यों होते हैं, अगर हम देखें पोल में इसलिए स्ट्रांग होते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, पोल्स में जो है सबसे ज़्यादा ये क्लोज होते हैं, इस वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये स्ट्रांगेस्ट होते हैं, कहाँ पे, पोल्स में। मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स जो है इसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज मसल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड वाइल अप्लाइंग द फोर्स, इस वजह से जो है इसे कॉन्टैक्ट जो है इसे फोर्स कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्टिकल डेंसिटी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्टिकल डेंसिटी, इसे जो है ऑप्टिकल डेंसिटी के तौर पे भी जो है इसे टर्म्स पे भी इसे एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे डेंसर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया, तो इसे जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी हम कह सकते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा बेसिकली मीडियम ज़्यादा डेंसर है, ठीक है, ये कैसे पता चलता है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा वो मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें, कोई भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो दो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, इसके मैं अगर आपको कंपेयर करना है कौन सबसे ज़्यादा जो है डेंसर है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जो है यहाँ पे डेंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसका सही जवाब है ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पे काम करता है, और भी एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर, और एग्जाम्पल है माइक्रोफोन, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये क्लास 10 में इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसका एप्लीकेशन भी आप याद रखते हैं तो भी सफिशियंट है आपके लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एंड EMF इज इंड्यूस्ड व्हिच देन प्रोड्यूस ए इंड्यूस्ड करंट, ये बेसिकली इसका डेफिनेशन है। तो जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सारे जो है इस पे ही बेस्ड है। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल, तो मान लीजिए कोई भी स्पेरिकल मिरर है उसका सेंटर को हम क्या कहते हैं, उसका सेंटर को हम पोल कहते हैं। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, रेलवे इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन हमने आपके लिए फ्रेम जो है किया है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर फोर, पोल्स। द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सारे इक्वेशन को याद रखना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर टू, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो है इसका ये सही जवाब है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो है ये इक्वेशन है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, सभी को पता है न्यूटन होता है, तो न्यूटन किसे कहा जाता है, न्यूटन जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जो है ये न्यूटन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे न्यूटन ना देके यहाँ पे ये यूनिट दे दिया जाएगा आपको, और इसका सही जवाब है ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन जो है ये कहा जाता है।
पूछा तो फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट सेस्मिक वेव, तो इनमें से कौन सा जो है फास्टेस्ट सेस्मिक वेव है, तो इसका जो सही जवाब है ये है प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव जो है अर्थक्वेक में अगर हम देखें बहुत सारे वेव्स होते हैं, तो प्राइमरी वेव जो है ये फास्टेस्ट जो है ये सेस्मिक वेव है, और इसे जो है सबसे पहले इसे डिटेक्ट किया जाता है सेस्मोमीटर में, इसे सबसे पहले जो है डिटेक्ट किया जाता है। इसका स्पीड क्या है, 5 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड जो है इसका स्पीड है। प्राइमरी वेव को पी वेव के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है, तो कहीं कहीं ऑप्शन में अगर आप एग्जाम में देखें तो पी वेव्स भी लिखे हुए होंगे, तो कंफ्यूज मत होना, पी वेव भी उसका सही आंसर होगा। पूछो तो फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोलर पावर सिस्टम, तो सोलर पावर सिस्टम से इनमें से कौन सा रिलेटेड है, तो इसका सही जवाब है यह है फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट भी इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एप्लीकेशन जानना जरूरी है, इस तरह क्वेश्चन बार बार बनते हैं इसीलिए हमने यहाँ पे कवरअप किया है। तो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के ऊपर में जो है ये अगर हम देखें सोलर पावर सिस्टम जो है इसे बनाया गया है, तो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सर्टेन सेमीकंडक्टर मटेरियल, इट इज नोन एज फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, लेकिन हाँ दो अलग अलग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को लिया जाता है और फिर यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है इसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विच अर्थक्वेक वेव इन्वॉल्व इन ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, तो ट्रांसवर्स वेव जो है इसे ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट जो है इनमें से कौन सा वेव जो है ये ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट में इन्वॉल्व है, तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें तो एस वेव। एस वेव बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो है ये ट्रांसवर्स वेव जो है ये होता है। पी वेव के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, उसी तरह एस वेव भी जो है ये होता है, और सबसे डिस्ट्रक्टिव जो होता है ये शायद एल वेव होता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जरूर देख लेना, आगे चल के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सबसे पहली बात आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है इसका डेफिनेशन भी आपको पता है, किससे रिलेटेड ये आपको अगर पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यहाँ पे आराम से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, आराम से आप जो है यहाँ पे सही आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट ए बॉडी इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो यहाँ पे आसान भाषा में अगर हम देखें, मान लीजिए एक टब है, वाटर उसमें फुल है, आप अगर टब के अंदर जाते तो जो आपका बॉडी का वेट है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा टब से, ठीक है, ये बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, ये वाटर से रिलेटेड है, ये लिक्विड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन, ये सारे जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लेकिन डिजाइनिंग ऑफ एयरप्लेन विंग्स जो है ये बेस्ड नहीं है। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर वन, डिजाइनिंग ऑफ एयरप्लेन विंग्स, ये इसका सही जवाब है। रेलवे इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता, देखा जाता है कि स्टूडेंट क्या ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट कर जो नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, जो करते हैं वो इसे बिल्कुल यहाँ पे आराम से आपको एक नंबर आराम से मिल जाएगा। व्हिच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर फोर, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विचेस। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट भी हम आपको दे देते हैं और यहाँ पे जूल्स लॉ को थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है इसे रेजिस्टिव हीटिंग भी कहा जाता है, नोट डाउन करें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है इसे रेजिस्टिव हीटिंग भी कहा जाता है। तो रेजिस्टिव मटेरियल जो है अगर प्रेजेंट है तो इससे जो है बिल्कुल हीट प्रोड्यूस होगा। आयरन में जो है टंगस्टन प्रेजेंट होता है, फ्यूज में भी जो है थोड़ा सा रेजिस्टिव मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है, बल्ब में जो है ये भी अगर फिलामेंट देखे ये भी थोड़ा सा रेजिस्टिव मटेरियल होता है, तो ये सारे जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है बेसिकली इसे जो है रेजिस्टिव हीटिंग इसलिए कहा जाता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर व्हिच गिव राइज टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी के वजह से जो है क्या होता है हीट जनरेशन जो है ये होता है। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड डैश मटेरियल, तो मटेरियल जिसके थ्रू जो है ऑब्जेक्ट तो देखा जा सकता है लेकिन क्लियरली नहीं देखा जा सकता है, तो इन्हें जो है ट्रांसलूसेंट मटेरियल बेसिकली कहा जाता है। जैसे बटर पेपर हो गया, बटर पेपर के थ्रू जो है क्लियरली जो है किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देखा जा सकता है। इसी तरह अगर हम देखें और एग्जाम्पल फ्रॉस्टेड ग्लास जो हो गया, ये सारे जो है एग्जाम्पल हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर द डिस्टेंस डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये कहाँ पे मेजर करता है, ऑन लैंड, इन वाटर, इन स्पेस, अंडर वाटर, तो इसका सही जवाब है ये है अंडर वाटर। तो सोनार जो है अंडर वाटर में जो है ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक के थ्रू जो है ये मेजर करता है डिस्टेंस डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। विच एनर्जी ऑफ विंड डज ए विंड मिल यूज, तो कौन सा एनर्जी यूज किया जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली यूज किया जाता है विंड मिल में। अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिकॉज ऑफ द मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये मोशन की वजह से होता है। तो विंड मिल में क्या है, जो ब्लेड्स होते हैं ये कैसे मूव करते हैं, विंड के थ्रू जो है मूव करते हैं, तो यहाँ पे मोशन के वजह से जो है यहाँ पे जो एनर्जी जो है यहाँ पे जनरेट होता है। तो किसके वजह से होता है, ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। पूछो तो फॉलोइंग इज लाइट डिटेक्टर मशीन, लाइट डिटेक्टर मशीन आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा,
ऐसे रियलिटी में तो बहुत कम जो है ये देखने मिलता है, लेकिन बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ को ही बेसिकली जो है ये लाई डिटेक्टर मशीन जो है ये कहा जाता है। ये स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग डैश एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जो है इसे बेसिकली मेजर करता है स्प्रिंग बैलेंस, और फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट जो है इसे बेसिकली वेट कहा जाता है। वेट जो है ये ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, तो इसे बेसिकली मेजर करता है स्प्रिंग बैलेंस। वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो वन हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वाट जो है ये होता है, कितने वाट होते हैं। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, 476 वाट्स जो है ये अप्रोक्सीमेटली जो है ये होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना, नोट डाउन जरूर कर लेना। डैश एक्सपेंशन मेक्स द आईफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर, तो ये जो है थर्मल एक्सपेंशन के वजह से होता है। समर के दौरान जो है ये मेटल्स अगर हम देखें थोड़ा सा हीट के वजह से जो है ये एक्सपेंड होते हैं, तो थर्मल एक्सपेंशन के वजह से जो है ये बेसिकली जो है आपको जो है ये देखने मिलता है। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, तो 1 किलोग्राम ऑफ वेट जो है ये इक्वल टू कितना न्यूटन होता है। इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2, 9.8 न्यूटन जो है ये होता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कवर अप किया है। 2 ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्सन कुड बी ड्यू टू, तो दो अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ये रिपल्सन अगर दिखने मिल रहा है इसमें, तो ये बेसिकली किस वजह से हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, इधर ए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से जो है ये होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स कैन बी इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट गलती करके आते हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स जो है यहाँ पे देके आते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर को बेसिकली वोल्टेज कहा जाता है। देखिए किस तरह रेलवे क्वेश्चन पूछता है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर का जो है ये वोल्टेज कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट कार टायर्स, तो कार टायर्स जो है इनमें जो है अगर आप देखें टाइम के साथ जो है ये घिस जाते हैं, ये हो जाते हैं, फिर चेंज करना पड़ता है, तो फ्रिक्शन के वजह से होता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ये जो टायर्स हैं या फिर आप जो शू पहनते हैं इसका जो सोल है ये घिस जाता है, ये फ्रिक्शन के वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ऑयली फ्लोर बिकॉज, तो ऑयली फ्लोर में जो है चलना मुश्किल क्यों होता है, तो ऑयली फ्लोर में जो है ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इज वेरी लेस, इसके वजह से जो है चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है और इसका सही जवाब देना है। फ्रिक्शन मान लीजिए पूरा रिड्यूस कर दिया जाए तो वहाँ चलना ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए जो रोड्स हैं इनमें अगर आप देखिए तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए जो है इसे रफ बनाया जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन कम हो जाए तो क्या होगा, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे। फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो कार में अगर ब्रेक लगाया जाए तो ये जो है स्किट होकर और आगे चला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा कम है। इसी वजह से जो रोड्स हैं इन्हें जो है बेसिकली थोड़ा रफ बनाया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग डैश एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था तो ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया। तो इसका सही आंसर है ये है फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बेसिकली, जिसे हम वेट कहते हैं। ड्यू टू एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन सनराइज इज एडवांस एंड सनसेट इज डिलेड बाय अबाउट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, ध्यान रखना, रिसेंटली कुछ एग्जाम में बने थे। तो ड्यू टू एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन सनराइज इज एडवांस बाय 2 मिनट एंड सनसेट इज डिलेड बाय 2 मिनट, इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, 2 मिनट्स। तो 2 मिनट का जो है यहाँ पे डिले होता है सनसेट और सनराइज में। साउंड इज ए काइंड ऑफ, तो साउंड क्या है बेसिकली, साउंड इज ए काइंड ऑफ, अगर हम देखें इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। साउंड जो है इट इज़ कॉज व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं तब जो है ये साउंड क्रिएट होता है। तो साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, द साउंड इन ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड, तो ऑडिबल रेंज में जो साउंड होता है इसे हम कौन सा साउंड कहते हैं, इसे सोनिक साउंड कहा जाता है, ध्यान रखना, इसे बेसिकली सोनिक साउंड जो है ये कहा जाता है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है, नोट डाउन करना, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, आगे चलकर आपको देखने मिल सकता है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है। इसी वजह से ये भी आपको नोट डाउन करना है कि 1 हर्ज जो है इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड जो है ये होता है। ये जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमने लिख रखा था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन हर्ज, ऐसा यूनिट इसका है 1 हर्ज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड, इसे नोट डाउन जरूर कर लें। द रेटिंग फॉर इज फ्यूज यूज इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका जो रेटिंग जो है जो दिया जाता है बेसिकली अगर हम देखें तो रेटिंग कौन से बेसिस में दिया जाता है, तो रेटिंग जो है ये करंट के बेसिस में जो है ये दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेम द लॉ इन फिजिक्स व्हिच स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये कौन से लॉ के थ्रू जो है ये डिफाइन किया गया है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, एवोगैड्रो लॉ।
वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, तो वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट पर सेकंड, ये ध्यान रखना। वेबर जो है किसका ऐसा यूनिट है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है। तो इसका सही जवाब है ये क्या है, यह ऑप्शन नंबर 2, वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट। वोल्ट पर सेकंड जो है ये 1 वोल्ट पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू 1 वेबर पर सेकंड, ये आप नोट डाउन करें। और वेबर जो है ये किसका ऐसा यूनिट है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऐसा यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का जो ऐसा यूनिट है ये क्या है, ये मोल है। क्लास 9 के एनसीईआरटी में डिटेल में दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और क्लास 9 के एनसीईआरटी में ये दिया भी गया है। डस इज द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, तो इसे बेसिकली क्या कहते हैं, इसे जो है फोर्स कहा जाता है, ठीक है। फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, फोर्स। आपने जरूर पढ़ा होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है इसे डिफाइन किया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स का इसमें सबसे जो है करेक्ट डेफिनेशन कौन सा है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2, वर्क डन बाय इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल, तो इसका जो है ये सही आंसर जो है ये है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे जो है ये कंजर्वेटिव जो है ये फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक एग्जाम्पल है ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और भी कुछ एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है। ये फ्यूज प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम, तो फ्यूज जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को किससे बचाता है, ये जो है ओवरलोडिंग से जो है ये बचाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फॉर ए वेव, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू, तो अगर हम वेवलेंथ को डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड से, तो इससे जो है हमें क्या मिलेगा, इससे जो है हमें वेव वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ, ठीक है, बाय टाइम पीरियड, ये आप नोट डाउन कर लें। न्यूमेरिकल अगर यहाँ से बने तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। आगे चल के हम 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में, ताकि न्यूमेरिकल्स भी हो जाए आपका साथ साथ में, आपको न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स को भी यहाँ पे कवर अप किया गया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। टॉर इज ए यूनिट ऑफ, तो टॉर जो है ये किसका यूनिट है, अगर हम देखें टॉर जो है ये प्रेशर का जो है ये यूनिट है। 1 टॉर इक्वल्स टू कितना पास्कल होता है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो 1 टॉर इक्वल्स टू 133.32 पास्कल होता है। नोट डाउन करें, 1 टॉर इक्वल्स टू 133.32 पास्कल, ये होता है। तो टॉर्क किसका यूनिट है, ये प्रेशर का यूनिट है। इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज लेस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से अगर ये एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स क्या होगा, तो ये होगा दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इसका डिफरेंस। इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, डिफरेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर सो लैटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, जब आप सामने खड़े होते हैं प्लेन मिरर में, थोड़ा सा फेनोमेना को डिस्कस करते हैं ताकि समझने में आसान हो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो ये वीडियो। तो फेनोमेना अगर हम इसे डिस्कस करें तो लेफ्ट साइड क्या होता है, ये राइट साइड जो है आपको दिखता है और राइट साइड जो है ये लेफ्ट साइड दिखता है। रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर जो है इस वजह से ये होता है, तो इसे जो है लैटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट जो है ये कहा जाता है, अगर प्लेन मिरर के सामने आप जब खड़े होते हैं तो। द लॉ एक्सप्लेन अबाउट द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये एक्सप्लेन करता है अबाउट द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, जो समुंदर में जो ओशंस में जो टाइड्स होते हैं ये किस वजह से होते हैं, ये जो है मून का ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से जो है ये होते हैं। द टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म, तो इसे क्या टर्म दिया गया, इसे जो है वाइब्रेशन जो है इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। An image formed on a screen is called dash image, whereas image formed by a plane mirror is called dash image. तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1, रियल एंड वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ये आपको पता है, जो इमेज जो स्क्रीन में फॉर्म नहीं किया जा सकता है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, whereas image formed by plane mirror is called virtual image. Voice of a man is heavy as compared to woman because. तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3, मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है ये ज़्यादा लंबा होता है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे मेल का जो अगर हम देखें या फिर मैन का जो यहाँ पे वॉइस होता है ये थोड़ा सा जो है ये हेवी होता है, और ये पीच पे भी डिपेंड करता है। पीच अगर हम देखें तो ये वुमेंस में ज़्यादा होता है और यहाँ पे मेंस का जो है ये कम होता है। तो वोकल कॉर्ड जो है ये लॉन्गर होता है, जिसके वजह से जो है मैन का जो है यहाँ पे जो वॉइस होता है ये थोड़ा हेवी होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैकेनिकल वेव, इनमें से कौन सा जो है ये मैकेनिकल वेव है, तो इसका सही जवाब है ये है साउंड वेव। साउंड वेव जो है इसे मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है, बिकॉज
दे नीड मटेरियल और मीडियम टू प्रोपागेट, इस वजह से जो है इन्हें जो है बेसिकली मैकेनिकल वेव कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4, साउंड वेव। साउंड वेव जो है इन्हें कोई मीडियम चाहिए, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, कोई मीडियम चाहिए जिसके थ्रू ये जो है प्रोपागेट कर सके, इस वजह से जो है इन्हें मैकेनिकल वेव कहा जाता है। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड एज, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी है तो ये क्या होगा, ये मोशन में होना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो ये मूविंग होना चाहिए तभी जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये पोज कर रहा होगा। इन द रेटिना ऑफ आई द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल इज कॉल्ड, तो रेटिना आई जहाँ पे सेंसरी सेल प्रेजेंट नहीं होता है तो इस एरिया को बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे जो है ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है तो ध्यान रखना, इसे ब्लाइंड स्पॉट जो है ये कहा जाता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर एग्जर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर या फिर कह सकते हैं जो एयर प्रेशर है ये किस वजह से होता है, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है ये होता है। इफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर ऑन ए प्लेन मिरर व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड, तो इसका सही जवाब है ये है 0 डिग्री। अगर लाइट परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, एक प्लेन मिरर है, मान लीजिए प्लेन मिरर है, इसमें परपेंडिकुलर अगर लाइट फॉल हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये है 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ये होगा 0, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बिल्कुल इसका सही जवाब है 0 डिग्री। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन सीमेंस, तो इनमें से किसे जो है सीमेंस में मेजर किया जाता है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है इसे सीमेंस में मेजर किया जाता है। एन आउल कैन सी क्लियरली एट नाइट बट नॉट डे टाइम बिकॉज इट हैज, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, मोर रॉड्स एंड फ्यू कोन सेल। तो इनमें जो है रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और कम जो है कोन सेल प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से जो है ये नाइट में जो है ये लो लाइट एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा से जो है इनका आँख काम करता है। अगर ह्यूमंस में देखें तो कोन सेल ज़्यादा होते हैं और रॉड सेल जो है ये कम होते हैं। ए कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, द वाटर विल ओवरफ्लो इफ द टेम्परेचर इज, तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है ये है अगर इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो ये ओवरफ्लो जो है ये हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम इसे हीट करते हैं या और ज़्यादा कूल करते हैं, क्योंकि डेंसिटी मैक्सिमम किस में होता है, 4 डिग्री सेल्सियस में है, और ज़्यादा कूल करेंगे तो टेम्परेचर जो है और ज़्यादा लो चला जाएगा, और ज़्यादा हीट करेंगे तो और ज़्यादा जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ये जो है ओवरफ्लो हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि कौन से यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है बस, सिंपल आपको यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन कॉजेज ए ट्रॉली टू मूव ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, हाउ मच वर्क इज डन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्क कितना किया गया। तो वर्क डन इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना, डब्ल्यू इक्वल्स टू जो होता है ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ इंटू डी। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें। फोर्स कितना दिया गया है, 50 न्यूटन्स दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, 30 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, 30 मीटर ये दिया गया। तो इसका आंसर कितना होगा, ये होगा 1500 जूल, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन ये याद रखना है कि जो भी यूनिट आप देख रहे हैं वो ऐसा यूनिट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 जूल ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू मूव ए स्मॉल ट्रक डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, व्हाट इज द साइज ऑफ फोर्स, यहाँ पे फोर्स पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या क्या आपके पास प्रेजेंट है, 12,000 जूल वर्क प्रेजेंट है, ठीक है, डिस्टेंस आपको प्रेजेंट है, तो वही सेम ही फॉर्मूला लगेगा। W इक्वल्स टू हमने अभी क्या बोला था, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालने बोला है, साइज ऑफ फोर्स निकालने तो आपको पूछा गया, तो F इक्वल्स टू क्या होगा, W बाई डी हो जाएगा, ठीक है, F इक्वल्स टू W बाई डी हो जाएगा, सिंपल है। कितना है अगर हम वर्क देखें तो ये जूल में दिया गया है, 12,000 जूल डिवाइडेड बाई 80 मीटर, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ये होगा 150 न्यूटन जो है इसका सही जवाब होगा। सिंपल है, बस आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हेयर ड्रायर ट्रांसफर्स 48,000 जूल ऑफ एनर्जी इन 2 मिनट्स, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ हेयर ड्रायर, तो यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला होता है नोट डाउन करें, पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम होता है, ठीक है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम होता है, ये नोट डाउन कर लें। वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन किस में होता है, जूल में होता है, टाइम किस में होता है, सेकंड्स में होता है, ठीक है, पावर किस में होता है, वाट में होता है, ठीक है। ये सारे ऐसा यूनिट बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है हेयर ड्रायर जो है ये कितना 48,000 जूल जो है ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क कितना है, तो ये है 48,000 जूल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम,
टाइम, टाइम किस में है, सेकंड्स में है, लेकिन यहाँ पे मिनट्स में दिया गया, तो 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120 सेकंड्स, रियली सॉरी 120 सेकंड्स। तो यहाँ पे सिंपली आपको डिवाइड कर देना है 48,000 / 120, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 400 वाट्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 400 वाट्स। सिंपल यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता दिया जा रहा है, किस तरह करना है वो बता दिया जा रहा है, पुट अप करें आ जाएगा। और ये सारे फॉर्मूला को अच्छा से याद रखें, ए करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर फ्लोस थ्रू ए इलेक्ट्रिक सर्किट, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो ए पॉइंट इन 2 मिनट्स। सबसे पहली बात अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि करंट जो है 1.5 एम्पीयर का करंट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कितना कूलम ऑफ चार्ज जो है फ्लो हो रहा है ये पॉइंट इन 2 मिनट। तो एक पॉइंट से कितना कूलम ऑफ चार्ज जो है फ्लो हो रहा है 2 मिनट में। तो इसका एक फॉर्मूला आप नोट डाउन करें, चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम होता है, ठीक है। चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम, क्यू इक्वल्स टू चार्ज जो है इसे क्यू से डिनोट किया जाता है, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें, चार्ज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम ये होता है। चार्ज को कूलम में जो है ये हम बेसिकली मेजर करते हैं, करंट जो है बेसिकली जो आई है इसे एम्पियर्स में किया जाता है, और टाइम जो है इसे सेकंड्स में किया जाता है। कितना दिया गया है यहाँ पे, कितना एम्पियर्स दिया गया है, करंट 1.5, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है ये ध्यान रखना, टाइम जो है सेकंड्स में नहीं दिया गया, कन्वर्ट कर देना है इंटू 60 कर देना, 120, 1.5 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 180 कूलम इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 180 कूलम्स। रियली सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बहुत लेंदी हो गया वीडियो, इसलिए थोड़ा वॉयस यहाँ पे बैठ जा रहा है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू करेंगे, सारे क्वेश्चंस को कवर अप यहाँ पे जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी करंट, हाउ मच करंट फ्लोज 140 कूलम पासिस डाउन ए वायर इन 8 सेकंड। तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे करंट पूछा गया है, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी हो जाएगा, सिंपल है। क्या दिया गया, 40 कूलम दिया गया है चार्ज, तो 40 कूलम दिया गया है, और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया, 8 सेकंड दिया गया, तो 40 / 8 5 एम्पीयर यहाँ पे जो है ये आ जाएगा, टोटल करंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल है, बस यहाँ पे आप फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन करें। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ 2 कूलम चार्ज शिफ्ट 8 जूल। तो एक बात ये ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू एनर्जी बाय चार्ज होता है, नोट डाउन करें, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू एनर्जी बाय चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसे हम वी से डिनोट करते हैं, एनर्जी को मान लीजिए हम ई से ही डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, और चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी बाय चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ 2 कूलम ऑफ चार्ज शिफ्ट 8 जूल। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे चार्ज भी दे दिया गया है, चार्ज कितना है 2 कूलम्स है, और यहाँ पे एनर्जी कितना दिया गया है 8 जूल जो है, वर्क और एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एनर्जी 8 जूल यहाँ पे दिया गया है, तो सिंपली है 8/2 कितना हो गया, 4 वोल्ट जो है इसका सही आंसर आएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो वैल्यू है उन्हें पुट डाउन कर देना है। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसपोर्ट व्हेन 12 कूलम्स ऑफ चार्ज मूव्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। यहाँ पे क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, अभी हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू एनर्जी बाय यहाँ पे चार्ज होता है। तो एनर्जी अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू जो है ये हो जाएगा चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 3 = 36 जो है जूल इसका सही आंसर होगा। फॉर्मूला आपको बता दिया जा रहा है, सिंपली आप उसमें पुट डाउन करें, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको सही आंसर तक आप बिल्कुल पहुँच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इफ करंट ऑफ 8 एम्पीयर फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम्स। यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल फॉर्मूला है, वी ओम्स लॉ यहाँ पे आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो ओम्स लॉ आपको सिंपली लगा देना है। तो वी इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, ठीक है, ये है ओम्स लॉ, यहाँ पे डिस्कस हम कर लेते हैं। तो आई कितना दिया गया 8, और आर रेजिस्टेंस कितना दिया गया 40 ओम्स, तो 8 × 40 320 वोल्ट जो है इसका सही आंसर जो है ये होगा, ठीक है। वी इक्वल्स टू आई आर लगा दें, सिंपल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपके निकल जाएगा। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंपोनेंट इफ 15 वोल्ट कॉजेस ए करंट ऑफ 3 एम्पीयर टू फ्लो थ्रू इट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेजिस्टेंस पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 15 वोल्ट, करंट दिया गया है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे अगर, तो आर इक्वल्स टू वी वाई आई हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। 15 / 3 तो ये हो जाएगा 5 ओम्स, ठीक है। तो इसे भी बिल्कुल वही वी इक्वल्स टू आई आर, वही ओम्स लॉ लगाना है, और सिंपली यहाँ से आपको निकाल लेना है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इफ 8 क्यूब मीटर ऑफ इट हैज मास ऑफ 3200 kg। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, नोट डाउन करें, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी को हम पी से डिनोट करते हैं, मास को एम से, और वी को वॉल्यूम को वी से, ठीक है। और किस में मेजर किया जाता है ये भी ध्यान रखना, मास जो है केजी में, वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में, और यहाँ पे डेंसिटी जो है ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ये मेजर किया जाता है।
तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है ये पूछा गया है। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा, इसको हम सिंपली है डेंसिटी ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी इस तरह मेजर करते हैं, तो मास कितना दिया गया है 3200 kg डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, 8 जो है टोटल क्यूबिक मीटर जो है ये वॉल्यूम दिया गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 400 kg per m³, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका सही जवाब है ये है 400 kg per m³ या फिर मीटर क्यूब इसका सही जवाब है। तो सिंपल फार्मूला को भी अगर आप याद रखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर तक आप बिल्कुल पहुँच सकते हैं। एयर प्रेशर इज यूजुअली हाईएस्ट व्हेन द एयर इज, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, कूल एंड मॉइस्ट। जब एयर कूल हो साथ में इसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो तो इसके वजह से क्या होता है, एयर का जो डेंसिटी है ये इंक्रीज हो जाता है, और एयर का जब डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है तो ग्रेविटेशन पुल की वजह से ये और ज्यादा नीचे जो है ये आ जाता है, जिसके वजह से एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो एयर प्रेशर जो है ये हाईएस्ट कब होता है, जब एयर कूल और मॉइस्ट हो तब। इफ वी बाय आई इज कॉन्स्टेंट इट इज कॉल्ड, तो सिंपल ओम्स लॉ है, जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज है ना वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में, खास करके रेलवे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करता है फ्रॉम ओम्स लॉ, इसीलिए इस वीडियो में भी आपको काफी सारे ओम्स लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो वी बाई आई जो होता है ये इक्वल्स टू आर होता है, या फिर कह सकते हैं वोल्टेज बाई करंट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, तो ये कॉन्स्टेंट जो होता है ये होता है रेजिस्टेंस। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स ए नेल ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम, विच लॉ सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन्स थर्ड लॉ। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए दो वाल हैं, उनके बीच हम क्या करते हैं, थ्रेड से बांध देते हैं एक फ्रेम को और टांग देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इसमें एक नेल फिक्स किया जाए, क्या हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी फोर्स हम इसमें अप्लाइड करेंगे इसके वजह से क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रेम क्योंकि बीच में टंगा हुआ है तो हम इसे फोर्स अप्लाइड करें तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके रिएक्शन की वजह से, और हम ये नेल जो है यहाँ पे फिक्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसके जगह हम फ्रेम को जो है किसी तरह जो है दीवार के साथ जो है ये लगा के रखते हैं, और अब हम कोशिश करते हैं इसमें कोई नेल जो है फिक्स करने का, तब ये पॉसिबल है, तब हम कर सकते हैं। या फिर हम ग्राउंड में इस फ्रेम को रख देते हैं और तब हम कोशिश करते हैं नेल को फिक्स करने का, अगर कोशिश करते हैं तो यहां पे हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये पॉसिबल नहीं है, अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम है इसमें अगर हम नेल फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी, तो इनमें से किसका एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, स्टीम। अगर हम कंपेयर करें आइस वाटर स्टीम, तो इनमें से स्टीम का एंट्रोपी सबसे ज्यादा होता है। एंट्रोपी ऑफ स्टीम इज मोर बिकॉज ऑफ ग्रेटर रैंडमनेस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन गैसीय स्टेट रैदर देन लिक्विड स्टेट, इस वजह से जो है स्टीम का एंट्रोपी सबसे ज्यादा होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स विद डैश स्पीड, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3, यूनिफॉर्म स्पीड। इसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर अप कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम इसे क्या कहेंगे, कौन सा स्पीड कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड हम इसे कहते हैं। Which of the following never occurs singly in nature? तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2, फोर्स। फोर्स कभी भी सिंगली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, रादर देन हम कह सकते हैं फोर्स इज म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। द फोर्स एग्जर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज डैश फोर्स। देखिए पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था, जैसे अगर हम देखें तो 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला 4 पार्ट में लाइफ साइंस का बेस्ट क्वेश्चन हमने कवर अप किया है, पार्ट 5 से जो है हमने फिजिक्स का बेस्ट क्वेश्चन कवर अप करना शुरू किया है, अब पार्ट 5 का से लेके पार्ट 6 ये हो गया, तो अब फिजिक्स का बेस्ट क्वेश्चन कवर अप करेंगे, फिर केमिस्ट्री का बेस्ट क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था कि मस्कुलर फोर्स जो होता है ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसी तरह जो मैग्नेटिक फोर्स होता है या फिर फोर्स जो एग्जर्ट किया जाता है मैग्नेट के द्वारा ये बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा प्लेलिस्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, प्लेलिस्ट में पूरे 10 के 10 वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से देख लें, साथ में जो है बुकलेट भी आप जरूर खरीद लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इन दोनों को जब अच्छा से आप एनालिसिस करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने जो है यहाँ पे कवर अप किया है, एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, इसी तरह का ही क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा जाता है। अब क्वेश्चन में रिटर्न आते हैं, अब मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें आयरन के कंटेक्ट में बिना आए मैग्नेट जो है यहाँ पे क्या कर सकता है, इसमें जो है ये फोर्स जो है लगा सकता है, जिसके वजह से जो है ये अपने तरफ जो है आयरन को खींच सकता है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट जो है ये फोर्स होता है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिंपल डेफिनेशन, कंफ्यूज नहीं होना, रेलवे बार बार पूछता है, सिंपल डेफिनेशन से बार बार जो है ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। द मेजर ऑफ इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो मेजर ऑफ इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, इट्स मास। अगर हम देखें तो इनर्सिया क्या है, अगर हम देखें मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्सिया बॉडी, ये बेसिकली सिंपल डेफिनेशन। तो मेजरमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मास। परसिस्टेंस ऑफ विजन इज ए प्रिंसिपल बिहाइंड, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, सिनेमा। सिनेमा हॉल में बेसिकली ये फेनोमेना जो है आपको देखने मिलता है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ फेनोमेना को। फेनोमेना ऑफ एन आई बाय व्हिच एन इमेज इज थॉट टू परसिस्ट
फॉर अबाउट 25th पार्ट ऑफ द सेकेंड ऑन रेटिना आफ्टर द एक्चुअल इमेज इज फॉर्म. तो इसे हम परसिस्टेंस ऑफ विजन बेसिकली कहते हैं. फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन विच डिरेक्शन. तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2, नॉर्थ साउथ डिरेक्शन. अगर हम देखें कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होते हैं ये हरदम अगर हम देखें तो नॉर्थ साउथ डिरेक्शन के और जो है ये अलाइन रहता है. ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ जो है ये जो है लार्ज मैग्नेट की तरह जो है ये बिहेव करता है, जिसके वजह से जो मैग्नेटिक साउथ पोल होते हैं ऑफ अर्थ अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट. इसी वजह से जो है हरदम मैग्नेट जो है ये नॉर्थ टू साउथ जो है ये अलाइंड रहते हैं. व्हाट इज द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इन सेल्सियस. तो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है कितना होता है? तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4, 20 डिग्री सेल्सियस. ये होता है 20 डिग्री सेल्सियस. बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन बना है. रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे जो है ये रॉकेट बेसिकली काम करता है, इस प्रिंसिपल पे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करता है. जैसे रॉकेट जो है ये मोमेंटम कैसे गेन करता है. रॉकेट गेट्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंजन बट इट इज ऑपोजिट डायरेक्शन. जैसे आप देख रहे हैं रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो जो भी गैस यहाँ से एक्सपेल्ड हो रहा है ये बेसिकली जो है इसको मोमेंटम जो है ये प्रोवाइड कर रहा है. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे जो है ये रॉकेट काम करता है. 1 जूल ऑफ एनर्जी पर 1 सेकेंड इज, तो 1 जूल ऑफ एनर्जी पर 1 सेकेंड इज बेसिकली 1 वाट. ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, सिंपल ये डेफिनेशन है. 1 जूल ऑफ एनर्जी इक्वल पर सेकेंड जो है इसे बेसिकली वाट कहा जाता है. 1 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट. इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज ट्रिपल काइनेटिक एनर्जी विल बी. तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आए. इस तरह के कंडीशनल क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है. तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? अगर हम देखें मोमेंटम जो है पी से डिनोट किया जाता है. मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? ये होता है मास इनटू वेलोसिटी. ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है, पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल्स में. यहाँ पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे लास्ट की ओर. बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी कवर अप करना इंपॉर्टेंट है. तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये भी थोड़ा देख लेते हैं. ये होता है एम बी स्क्वायर, ठीक है, एम बी स्क्वायर बाय 2m होता है. तो यहाँ पे mb स्क्वायर के जगह में हम डायरेक्ट यहाँ पे मोमेंटम स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि mb इक्वल्स, क्योंकि मोमेंटम इक्वल्स टू m इनटू v होता है. तो मोमेंटम स्क्वायर बाय यहाँ पे कर सकते हैं 2m. अब क्या कहा गया है, अगर यहाँ पे मोमेंटम ऑफ द बॉडी ट्रिपल कर दिया जाए, तो यहाँ पे अगर हम 3p स्क्वायर कर दें, ठीक है, बाय 2m कर देते हैं. मोमेंटम को अगर ट्रिपल कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 9p हो जाएगा ये बाय 2m. तो 9 टाइम हो जाएगा अगर हम देखेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम हो जाएगा? ये 9 टाइम हो जाएगा. तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, 9 टाइम द ओरिजिनल वैल्यू. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ये हो जाएगा. अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग इमिटेड बाय ए रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट. तो कौन सा कन्वेंशनल यूनिट बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, क्यूरी. काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखना. काफी बार इसका एसआई यूनिट भी पूछा गया है. तो क्यूरी का जो एसआई यूनिट है ये है बैक्यूरियल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है BQ जो है लिखा जाता है. तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट हुए हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. ए स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड बाय हिज हैंड एंड इन रिटर्न द वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड इज एग्जांपल ऑफ. सिंपल सा क्वेश्चन है. तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन्स थर्ड लॉ. दिस इज द मोस्ट रिपीटेड एग्जांपल. न्यूटन्स थर्ड लॉ का अगर हम देखें दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड जो है ये एग्जांपल है. तो स्विमर क्या करता है, ये वाटर को जो है पीछे के और जो है ये पुश करता है, जिसके वजह से क्या करता है, वाटर इसे जो है फॉरवर्ड मूव करने में जो है ये मदद करता है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का ये एग्जांपल है. मल्टीपल इकोज एराइज ड्यू टू मल्टीपल. तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 1, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के वजह से जो है ये मल्टीपल इकोज जो है ये हमें सुनाई देता है. और रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को जो है ये रिवर्बरेशन कहा जाता है. रिवर्बरेशन जो है ये कहा जाता है, नोट डाउन कर सकते हैं, RIVERBERATION, रिवर्बरेशन इसे कहा जाता है. डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड. तो डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ स्पेरिकल मिरर को क्या कहा जाता है, इसे अपर्चर कहा जाता है. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल नोट डाउन कर लें. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू. तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है मैकेनिकल एनर्जी. ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी होता है. टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट. तो एक डिस्टिंक्ट इको को सुनने के लिए जो ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड है इसके बीच एटलीस्ट कितना समय का जो है ये डिफरेंस होना चाहिए. तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, 0.1 सेकेंड. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर ड्यू टू. तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से जो है ये करंट फ्लो होता है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड.
देखिए नोट के बारे में हमने डिस्कस किया था पार्ट फाइव में, जो फिजिक्स का हमने बेस्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कवर अप किया था उसमें हमने नोट डिस्कस किया था। नोट क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी होता है। उसी तरह ये साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड टोन, इसे जो है टोन कहा जाता है। नोट हमने डिस्कस किया था पार्ट फाइव में, तो सारे पार्ट्स को बिल्कुल देखें, हर एक पार्ट जो है ये इंटर रिलेटेड है। पार्ट फाइव अगर आपने नहीं देखा है तो ये जरूर देख ले। अगर लाइफ साइंस का बेस्ट क्वेश्चन कवर अप करना है तो पार्ट वन से पार्ट फोर तक देख ले, उसके बाद पार्ट सेवन से लेके पार्ट टेन तक जो है ये केमिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ड्रॉपलर्स इफेक्ट इज रिलेटेड टू चेंज इन डैश ऑफ साउंड, तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें तो यह ऑप्शन नंबर फोर फ्रीक्वेंसी। ड्रॉपलर इफेक्ट जो है ये दोनों लाइट और साउंड पे काम करता है, ये भी बिल्कुल आप नोट डाउन कर लें, कभी कभी ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। ड्रॉपलर इफेक्ट का एक एग्जांपल जैसे लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ड्रॉपलर इफेक्ट बेसिकली होता क्या है। मान लीजिए एक एम्बुलेंस है, वो आपके पास जितना आएगा उतना ज़्यादा आपको उसका साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, और आपसे जितना ज़्यादा वो दूर चला जाता होगा उतना ज़्यादा कम आपको साउंड यहाँ पे सुनाई देगा। क्यों? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है ये जितना दूर जाते जाता है ये ऑब्जेक्ट, इस वजह से जो है ये कम होता है। तो ड्रॉपलर इफेक्ट जो है इस वजह से जो है ये ड्रॉपलर इफेक्ट जो है ये दोनों पे काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइट और साउंड दोनों ऑब्जेक्ट पे ये काम करता है, और यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। विच इज़ करेक्ट, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला बेसिकली करेक्ट है ये यहाँ पे जो है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ये है वर्क इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने आपको मिल सकता है एग्जाम में, इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लें, ठीक है। वर्क इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ये होता है, ये बेसिकली करेक्ट यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड करेंट विल बी, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को अगर हम डबल कर देंगे तो करेंट क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू जो होगा ये होगा V बाई R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। मान लीजिए 2R अगर हम कर देते हैं तो इसे हम अलग करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 V/R, तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर वन, हाफ। इस तरह कंडीशनल क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला भी आपको याद है ना तो भी आप आराम से जो है यहाँ पे क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नेगेटिव, इनमें से कौन सा नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस, टाइम, एसिलेशन, मास। तो इसका सही जवाब है ये है एसिलेशन। एसिलेशन कैन बी नेगेटिव, एसिलेशन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो का एग्जाम्पल है कॉन्स्टेंट स्पीड में अगर स्ट्रेट लाइन में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एसिलेशन विल बी जीरो, तो इसे जो है एसिलेशन कह सकते हैं जीरो होगा। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर थ्री, एसिलेशन। याद रखना एसिलेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन इवन बी जीरो। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स अगर हम देखें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ करेंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम देखें ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इक्वल्स टू आई आर कहता है, वी इक्वल्स टू आई आर, इसीलिए ओम्स लॉ से हमने क्वेश्चन कवर अप किया है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओम्स लॉ से, ठीक है। तो बोथ करेंट एंड रेजिस्टेंस का जो है ये प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट एंड रेजिस्टेंस। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन मून एज कम्पेयर टू अर्थ विल बी, तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर वन, इंक्रीज। ये ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्यों होगा, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे बेसिकली स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं। स्मॉल जी का वैल्यू जो मून में है ये 1/6 ऑफ अर्थ होता है, ठीक है। और क्या यहाँ पे हमने पहले कहा था कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि बेसिकली स्मॉल जी होता है, इस वजह से यहाँ पे इंक्रीज होगा। थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π रूट अंडर एल बाय जी स्मॉल जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जो जी का वैल्यू होता है ये 1/6 होता है एज कंपेरिजन टू जो है अर्थ में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो वैल्यू होगा यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ये एज कम्पेयर टू अर्थ अगर हम देखें मून में क्या होगा ये वैल्यू ज़्यादा जो है ये बड़ा होगा, जिसके वजह से जो है यहाँ पे टाइम पीरियड ऑब्वियसली जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साउंड विथ फ्रीक्वेंसी 20 Hz टू 20 kHz अननोन एज, तो इस बेसिकली रेंज ऑफ साउंड को बेसिकली कौन सा साउंड कहा जाता है, इसे बेसिकली ऑडिबल रेंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट, काफी बार क्वेश्चन बना है या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऑडिबल रेंज कौन सा है, तो ध्यान रखना 20 Hz टू 20 kHz जो है ये बेसिकली ऑडिबल रेंज में आता है। बाकी सारे भी आपको देखना है कि अल्ट्रासोनिक जो है, इसके अलावा जो यहाँ पे इंफ्रासोनिक, इनका सबका रेंज आपको बिल्कुल देख के जाना है। लेंस इज मेड अप ऑफ विच ग्लासेस, तो लेंस बेसिकली कौन से ग्लासेस से बनाए गए होते हैं, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर थ्री, फ्लिंट ग्लासेस। ये फ्लिंट ग्लासेस से बनाए हुए होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल ग्लासेस, नोट डाउन कर लें, इन्हें ऑप्टिकल ग्लास के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज दे हैव हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इस वजह से जो है लेंस जो है इन्हें फ्लिंट ग्लास या फिर ऑप्टिकल ग्लास से बनाया जाता है।
एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट विच रेज, तो सारे जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट है ये कौन से रे बेसिकली इमिट करते हैं, तो इसका जो सही जवाब है ये है इंफ्रारेड रेज जो है ये इमिट करते हैं। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूनिक, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में भी देखने मिल सकता है। द फोर्स दैट कीप ए बॉडी इन ए सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड, तो कौन सा फोर्स बेसिकली एक पर्टिकुलर बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखता है, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर वन, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से जो है एक पर्टिकुलर बॉडी जो है ये सर्कुलर मोशन में जो है ये मूव करता है। एग्जाम्पल एक अगर हम डेली लाइफ एग्जाम्पल देखें, जैसे एक सर्कुलर ट्रैक में अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप जो है थोड़ा सा इनवर्ट झुके हुए होते हैं, तो इस फोर्स को बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो इसी के वजह से जो है एक बॉडी जो है ये सर्कुलर मोशन में जो है ये रहता है। व्हेन टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज, तो दो इक्वल फोर्सेस हैं एक्ट कर रहे हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसे बेसिकली क्या कहा जाएगा, इसे बैलेंस्ड फोर्स बेसिकली जो है ये कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है एक पर्टिकुलर बॉडी में, मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, इस तरफ से भी 9 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरफ से भी 9 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे जो है बैलेंस्ड फोर्स बेसिकली कहा जाएगा। ए लेमन इन ए ग्लास ऑफ वाटर अपीयर बिगर देन एक्चुअल साइज इज ड्यू टू, तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर वन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो मान लीजिए ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें आप एक लेमन को छोड़ देते हैं, तो और फिर आप जब इसे साइड से देखते हैं तो इसका साइज जो है जो एक्चुअल लेमन का साइज है उससे बड़ा दिखाई देने लगता है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि लाइट जो है जब ये एयर से वाटर में ट्रेवल करता है तो एयर जो है रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो ये क्या होता है लाइट ये नॉर्मल की ओर जो है और ज़्यादा बेंड हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है डाइवर्जिंग इमेज फॉर्म होता है और लेमन जो है ये आपको बड़ा दिखाई देने लगता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर वन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इज नोन एज, देखिए सिंपल डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस को अच्छा से जो है प्रिपेयर कर ले, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो लाइफ साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, डेफिनेशन से डायरेक्टली रेलवे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। स्नेल्स लॉ इज रिलेटेड टू, तो स्नेल्स लॉ जो है किससे रिलेटेड है, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, रिफ्रैक्शन, सरफेस टेंशन, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर थ्री, ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। सिंपल है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और किसका किसका रिलेशन ये जो है स्नेल्स लॉ के थ्रू जो है ये प्रोवाइड करता है, तो रिलेशन जो है ये इंसिडेंस एंगल, अगर हम देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू यू होता है, जो कि बेसिकली होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो स्नेल लॉ जो है किससे रिलेटेड है, ये रिफ्रैक्शन से ये रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ये रिलेटेड है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है किसका रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, अगर हम देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल्स टू होता क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो ये जो है पोजीशन एंड टाइम का जो है ये रिलेशन जो है ये प्रोवाइड करता है। जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनको अच्छा से प्रिपेयर कर लेना, न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से आपको आगे चल के एग्जाम में देखने बिल्कुल मिल सकता है, तो इनका न्यूमेरिकल्स भी बिल्कुल ध्यान रखना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 25 हर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 6 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव, पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था, ये पार्ट 6 है, पार्ट 5 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जब हम फिजिक्स के बेस्ट क्वेश्चन कवर अप कर रहे थे। पार्ट 5 अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, और जिन्होंने देखा है उनको ये पता ही होगा। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है इसे हम वी से डिनोट करते हैं, जो कि बेसिकली वेलोसिटी होता है, इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू जो है ये वेवलेंथ होता है, इसे लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी हरदम हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, और वेवलेंथ जो है इसे बेसिकली हम अगर जो लैम्बडा से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम मीटर में हरदम मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में अगर दिया होता तो कन्वर्ट करना पड़ता, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं और फिर आंसर नहीं आता। तो 25 × 6 ये होता है 150 मीटर पर सेकंड जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है। आगे चल के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने कवर अप किया है, ये कुछ बीच बीच में न्यूमेरिकल्स रखा है ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस तरह क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, और इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, रिलेटेड क्वेश्चन को रखा गया है। डायमंड हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ड्यू टू, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर थ्री, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन करके रखना, 2.42 ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है। जब भी लाइट पास करता है इसे मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेस करना पड़ता है, इसी वजह से डायमंड जो है ये बहुत ज़्यादा स्पार्कल करता है। द फेनोमेना एग्जिबिटेड बाय प्रिज्म व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू इट, तो ये आपको पता ही होगा, इसका जो सही जवाब है ये है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है ये कहा जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर्स, प्रिज्म के थ्रू जब ये पास होता है तो ये बेसिकली जो है 7 डिफरेंट कलर्स में जो है ये डिवाइड हो जाता है, इसे कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ये किस पे डिपेंड करता है, तो इसका जो सही आंसर है ये है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ जितना इंक्रीज करेंगे स्कैटर उतना ज़्यादा कम होगा, ठीक है, लाइट उतना ज़्यादा स्कैटर जो है ये कम होगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये बेसिकली यहाँ पे रेलेक्स लॉ जो है यहाँ पे जो है लगता है, तो रेलेक्स लॉ जो है ये भी बिल्कुल पढ़ लेना, यहाँ से भी रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द हाईएस्ट सरफेस पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द लोएस्ट पार्ट इज कॉल्ड। तो अगर हम एक वेव बनाएं, मान लीजिए एक लाइन है और यहाँ पे अगर हम वेव बनाएं, एक वेव अगर इस तरह का बनाएं, तो इसका जो हाईएस्ट पार्ट है इसे क्रेस्ट कहा जाता है, इसका जो लोएस्ट पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रफ जो है ये कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है रिसेंटली बना था कोई एक एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे भी कवर अप कर दिया है। किलो वाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, तो किलो वाट आवर जो है किसका यूनिट है, इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर टू एनर्जी। ये एनर्जी का जो है ये यूनिट है, ये भी काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना ये कॉम्पोजिट यूनिट है एनर्जी का, किलो वाट आवर, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, इवन और भी एग्जाम्स में ये पूछा गया है। मास इज डैश क्वांटिटी एंड वेट इज डैश क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी इनको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमने फ्रेम किया है। तो मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब मास स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि मास का जो है मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, इस वजह से जो है मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। व्हाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन बनाना पील। तो जब भी बनाना पील पे हम पैर रखते हैं तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमारा पैर स्किट हो जाता है या फिर हम यहाँ पे स्लिप हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है, क्योंकि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड सरफेस। ये जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है जिसके वजह से जो है हम यहाँ पे स्लिप हो जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड। तो थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना ही लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। मान लीजिए ये डायग्राम हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लाइट से और ऐसे। तो ये हो गया पोल सेंटर, ये वाला जो है पॉइंट हो गया पोल। इसके अलावा ये अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये पूछा जा रहा है ये क्या है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे फोकल लेंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। कभी भी अगर एग्जाम में अगर कन्फ्यूज हो जाए ना तो इस तरह पहले डायग्राम बना लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो मतलब सिर्फ पढ़ते हैं फिर सोचते हैं क्या होगा नहीं पता छोड़ देते हैं। एक बार डायग्राम बना लेना, बहुत सिंपल है इस तरह क्वेश्चन जो है, इसीलिए रेलवे इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। थोड़ा सा जो है इनको वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे डायग्राम में डायरेक्ट देखें, यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए इमेज देके तो सारे स्टूडेंट आंसर इसका दे सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह वर्ड में कन्वर्ट करके पूछा जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना इसका सही जवाब है यह है फोकल लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन मिराज फॉर्मेशन, इनमें से किसके वजह से मिराज फॉर्मेशन होता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर थ्री, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये कब होता है, जब लाइट पास करता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होता है तब जो है ये क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और मिराज जो है ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, खास करके डेजर्ट में देखा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मान लीजिए जो डेजर्ट का सैंड है ये बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन में जो है गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर में जो एक एयर का लेयर होता है ये बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। और ठीक इसके ऊपर जो बाकी जो एयर के लेयर होते हैं ये एज कंपेरिजन टू दिस लेयर ये थोड़ा सा कूल रहते हैं। तो यहाँ पे कूल जो रहता है जो एयर उसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, जो हॉट एयर है उसका जो डेंसिटी जो है ये कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास हो रहा है, जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और मिराज यहाँ पे फॉर्म होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं देके यहाँ पे एटमोस्फेयरिक जो है रिफ्रैक्शन आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन भी इसका सही आंसर हो सकता है, साथ में नोट डाउन कर लें, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है तभी जब लाइट पास करता है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पार्ट फाइव में भी हमने डिस्कस ये किया था। विच फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका सही जवाब है यह है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स ये हरदम जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में जो है ये काम करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक मेटल ब्लॉक है, एक मेटल ब्लॉक है, इस तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ठीक इसके अपोजिट में जो है ये लगता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक मेटल ब्लॉक है, ठीक है, अब आप फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, अगर आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये इस तरफ जो है ये लगेगा। तो ये ध्यान रखना कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के, तो ये जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये काम करता है। विच विल प्रोड्यूस मोर हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस।
बॉइलिंग वाटर स्टीम बोथ वन एंड टू विल प्रोड्यूस इक्वल हीट कांट बी डिटरमाइंड। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर टू स्टीम। स्टीम जो है ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस एज कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर। क्यों? ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, या फिर कह सकते हैं ड्यू टू स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, यहाँ पे ज्यादा हीट ये प्रोड्यूस करेगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखा है और उसे लीड से फिर ढक दिया है। जब पानी खोलने लगता है, फिर आप जब ये लीड को हटाते हैं या फिर ये ढक्कन को हटाते हैं, तो क्या होता है, स्टीम के वजह से जो बर्न होता है इससे ज्यादा जलन होता है आपको, रादर देन एज कंपेरिजन टू बॉइलिंग वाटर। ये क्यों होता है? क्योंकि स्टीम जो है ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एट 100 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर टू स्टीम। विच टाइप ऑफ लेंस इज ए नेचुरल लेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन आई? तो ह्यूमन आई में जो लेंस प्रेजेंट है ये बेसिकली कौन सा लेंस है? इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर टू कॉन्वेक्स लेंस। ये बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होता है। थिन ऑयल फिल्म ऑन वाटर सर्फेस अपीयर्ड कलर्ड बिकॉज? इसका सही जवाब है यह इंटरफेरेंस। ऑब्वियसली बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन काफी ज्यादा रिपीट हुआ है इसलिए यहाँ पे भी कवर अप कर दिया है। तो ये इंटरफेरेंस की वजह से जो है ये आपको देखने मिलता है। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन ए डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज कॉल्ड डैश ऑफ द वेव। तो इसे बेसिकली क्या कहा जाता है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ये है टाइम पीरियड। इसे टाइम पीरियड जो है ये कहा जाता है। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ वेव। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज करने के लिए जो है ये टर्म यूज किया गया, डेंसिटी ऑफ मीडियम। सिंपल है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, इसे टाइम पीरियड कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ए मीडियम जो है ये रख दिया गया है। ड्रैग इज द नेम गिवन टू फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय। तो ड्रैग जो है ये जो है बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है एग्जर्ट किया जाता है, इसे जो है बेसिकली जो है हम ड्रैग कहते हैं। ड्रैग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी बिल्कुल आप बिल्कुल कह सकते हैं। और फ्लूइड में क्या क्या आते हैं? फ्लूइड में गैस आता है, लिक्विड आता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो फ्लूइड में जो है इसको एक टर्म दिया गया है, गैस और लिक्विड का एक टर्म जो दिया गया है ये दिया गया है फ्लूइड। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। इफ ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन दिस टाइम? तो अगर करंट फ्लो हो रहा है 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा फॉर 10 मिनट्स, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन दिस टाइम, ये पूछा गया है। सिंपल सा जो है इसका आंसर है, ये भी हमने शायद पार्ट 5 में डिस्कस किया था इस तरह का न्यूमेरिकल। चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है, क्यू से चार्ज को डिनोट किया जाता है, इक्वल टू आई इंटू टी होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है, करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में किया जाता है, और चार्ज जो है इसे कूलम में किया जाता है। तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो यहाँ पे 2.5 दिया गया है इतना एम्पियर, ठीक है, और 10 मिनट्स दिया गया। लेकिन देखिए यहाँ पे 10 मिनट्स दिया गया है, इंटू 60 कर देंगे तो ये 600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, इंटू 60 कर देने से ये, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 600 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500 कूलम्स जो है इसका सही आंसर आएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू 1500 कूलम्स। तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स बिल्कुल पूछे जाते हैं, बहुत आसान सा है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बस वीडियो को देखते रहें, साथ में जो है अच्छा से इस तरह के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते रहें। व्हिच डिवाइस प्रेजेंट इन द हियरिंग एड रिसीव्स द साउंड? तो हियरिंग एड जो लगाया जाता है अलग अलग जो पर्टिकुलर इंसान होता है जिनमें हियरिंग डिफेक्ट होता है, तो उसमें जो है हियरिंग एड में कौन सा बेसिकली इनमें से डिवाइस जो है ये रिसीव करता है साउंड? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर टू माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है अगर हम देखें तो ये जो है क्या करता है, माइक्रोफोन रिसीव करता है साउंड को, फिर इसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ये बेसिकली कन्वर्ट कर देता है इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और फिर जो है एम्पलीफायर को ये भेज देता है। एम्पलीफायर क्या करता है, इसे फिर और ज़्यादा जो है एम्पलीफाई करके इस सिग्नल को ये क्या करता है, इसे स्पीकर के थ्रू जो है ये ह्यूमन ईयर तक पहुँचा देता है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर टू माइक्रोफोन। व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इफ 2-4 ओम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल? तो इस तरह के सर्किट से भी बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। पैरेलल में कनेक्शन है, अगर सीरीज में होता तो ऐड कर देते 4+4 8 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे अगर पैरेलल में है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आर रिक्वायर्ड हमें निकालना पड़ेगा। आर रिक्वायर्ड 1/R1+1/R2, दो ही रजिस्टर है यहाँ पे, तीन होता तो 1+R3 कर देते, और दोनों रजिस्टर का वैल्यू कितना है, 4 ओम्स है। अलग अलग होता तो अलग अलग वैल्यू देते, यहाँ पे तो 1/4+1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4+1/4, ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर देके आ जाएंगे 0.5 ओम्स, गलत है। आर रिक्वायर्ड हमें निकालना है, आर रिक्वायर्ड यहाँ पे अगर हम देखें, आर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 1/2 है, तो आर रिक्वायर्ड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो ये होगा इसका सही आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 3 2 ओम्स। 2 ओम्स जो है इसका ये सही जवाब है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उनको बिल्कुल देख लेना है आपको। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नोन एज,
पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज से कहा जो है डिनोट किया जाता है, करंट को आई से डिनोट किया जाता है, कुछ नहीं है वोल्टेज को बस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दे दिया जाता है। तो वी वाई आई इक्वल्स टू क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये अभी हमने डिस्कस किया था, बस टर्म को यहाँ पे चेंज करके दिया जाता है, इसीलिए जो है इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे कवर करना पड़ता है। पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, तो पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, इसे जो है ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंसान ग्राउंड पे खड़ा है, एक पत्थर को यहाँ से लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट में फेंकता है, तो ये जो पाथ फॉलो किया गया प्रोजेक्टाइल के द्वारा इसे ट्रैजेक्टरी जो है ये कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्सिया वॉज गिवन बाय, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्सिया जो है ये किनके द्वारा दिया गया था ये पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 गैलीलियो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्सिया जो है ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑब्वियसली जो है ये इनर्सिया को डिफाइन करता है, लेकिन इसे गैलीलियो लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो इनर्सिया का जो कॉन्सेप्ट है ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। कैंडला इज एसआई यूनिट, अब एसआई यूनिट के रिलेटेड कम क्वेश्चन को कवरअप किया, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसा देखने आपको मिल सकता है। तो कैंडला जो है ये किसका जो है ये एसआई यूनिट है, उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो है ये एसआई यूनिट है। विच फोर्स इज एग्जर्टेड बाय एयर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू इट, तो कौन सा फोर्स जो है एग्जर्ट किया जाता है तो एयर के द्वारा जब ऑब्जेक्ट इसके थ्रू जो है पास हो रहा होता है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली जो है जिसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, अभी हमने देखा था फ्लूइड के द्वारा जो स्पेशली जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है इसे हम ड्रैग कहते हैं या फिर ड्रैग फोर्स कहा जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर रॉकेट जो है ये अपवर्ड मूव कर रहा है, तो एयर के द्वारा जो है यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है ये कौन सा है, ये ड्रैग फोर्स है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स है इसके अपोजिट में, ठीक है। इसके अपोजिट में डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में जो फोर्स लगाया जाता है ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे एयर के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है ये है फ्रिक्शनल फोर्स। इफ रेजिस्टेंस अक्रॉस कंडक्टर इज हाफ्ड व्हाट इज हैपेंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो क्या होगा बेसिकली जो करंट फ्लो हो रहा है, सिंपल है ये भी ओम्स लॉ के रिलेटेड है। क्वेश्चन कवर इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, एंड आई इक्वल्स टू वी वाई आर जो है ये होता है। क्या पूछा गया है, अगर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हाफ कर दिया जाए तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं ऐसे V by 2R, या फिर लिख सकते हैं I equals to 1/2 V by R, तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट जो है ये हाफ हो जाएगा। इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 गेट हाफ। विच अमंग द फॉलोइंग लेंस इज मोस्ट पावरफुल, इनमें से कौन सा लेंस जो है ये सबसे पावरफुल है ये पूछा गया है। तो पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जिसका सबसे कम है वो लेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। सबसे कम किसका है, अगर हम ऑप्शन में देखें तो सबसे कम किसका है, ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंस विथ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे मान लीजिए अगर निकालना भी होगा तो 1/0.25 मीटर होगा, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, 0.25 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 डायप्टर। तो 4 डायप्टर जो है ये पावर है इसका, ठीक है, बाकी सबका जो है इनमें से कम होगा क्योंकि ये सारे वैल्यू जो है इससे बड़े हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, फोकल लेंथ जिसका जितना कम होगा वो लेंस उतना ज़्यादा जो है ये पावरफुल होगा। पावर ऑफ लेंस इज -33 डायप्टर, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज इट इज, तो ये कौन सा टाइप ऑफ लेंस है। तो देखिए अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो, पावर नेगेटिव हो, ठीक है, कोई भी इनमें से नेगेटिव हो तो ये है कॉन्केव लेंस। सिंपल आपको ध्यान रखना है, पावर नेगेटिव हो या फोकल लेंथ नेगेटिव हो, ये सिंपली अगर हम देखें तो ये जो है ये कौन सा लेंस होता है, ये होता है कॉन्केव लेंस। और ठीक इसका अपोजिट, पावर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, तो ये होगा कॉन्वेक्स लेंस। दोनों अलग अलग आप नोट डाउन जरूर कर लें। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल स्प्रिंग, तो कॉइल स्प्रिंग में जो है कौन सा एनर्जी स्टोर रहता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 9 का जो है ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया है। तो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी, इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जो है स्टोर रहता है। मान लीजिए एक स्प्रिंग है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम जो है कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, फिर जो है ये अपने शेप में जो है ये बाद में रिवर्ट बैक हो जाता है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है ये कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें स्टोर्ड रहता है। ड्यू टू विच फोर्स डज द मून मूव अराउंड द अर्थ इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, इसका जो सही जवाब है ये है सेंट्रिपिटल फोर्स। ये सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से होता है, अर्थ ग्रेविटी प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स टू कीप द मून ऑर्बिटिंग, सिमिलरली सन ग्रेविटी प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स टू कीप द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट, तो उसका सही जवाब है यह है सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से जो है ये होता है। व्हाई डू टायर्स ऑफ व्हीकल हैव थ्रेड इन देम, तो टायर्स ऑफ जो व्हीकल्स होते हैं इसमें छोटे छोटे जो है थ्रेड्स क्यों बनाए जाते हैं,
इसमें थ्रेड्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन जो है टायर और रोड के बीच में जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके, और यहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज होने से जो है फायदा है, अगर फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, गाड़ी जो है ये स्लिप होगा, स्किट हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकता है। इसी वजह से जो है यहाँ पे टायर्स पे जो है ये थ्रेड जो है ये बनाए जाते हैं। What is the color of sunlight when scattered by the air molecules in the atmosphere? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, ब्लू। इसका सनलाइट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, जिसके वजह से जो है स्काई भी आपको ब्लू दिखने लगता है। और ये किस लिए होता है, क्योंकि ब्लू जो कलर है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होता है, इसी वजह से जो है ये सबसे ज़्यादा जो है ये स्कैटर होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, रिलैक्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में भी देखने मिल सकता है। द एपर्चर ऑफ आई इज नोन एज, तो एपर्चर ऑफ आई किसे कहा जाता है, तो पिपल जो है इसे एपर्चर ऑफ आई कहा जाता है, और ये सेंटर ऑफ आई में जो है ये प्रेजेंट होता है। व्हाट इज रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम वॉल ऑफ बिग हॉल दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉल, तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2, रिवर्वरेशन। अभी हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस या फिर रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है इसे रिवर्वरेशन जो है ये कहा जाता है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 6 कूलम्स ऑफ चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट। ये वाला भी न्यूमेरिकल इस तरह का हमने डिस्कस किया था पार्ट 5 में। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, वोल्टेज को वी से डिनोट किया जाता है। चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, 6 कूलम, वोल्टेज जो है वी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसे वी से डिनोट किया जाता है, जो कि 18 वोल्ट है। तो वर्क डन जो है इसे जूल में किया जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 × 18 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 108 जूल्स जो है इसका सही आंसर होगा, 108 जूल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 108 जूल्स। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह का और एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे भी लिया है। 95 जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव 5 कूलम्स ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। सेम फॉर्मूला ही आपको लगाना, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनटू वोल्टेज होता है। यहाँ पे क्या निकालने बोला गया है आपको, यहाँ पे आपको वोल्टेज निकालने बोला गया है, तो डब्ल्यू बाई क्यू ये हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज कितना हो जाएगा, 95 डिवाइडेड बाय 5। तो 95 डिवाइडेड बाय 5 हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 19। तो टोटल कितना हो जाएगा, 19 वोल्ट्स इसका सही आंसर होगा। इस तरह के छोटे छोटे जो है फॉर्मूला को याद रखें, आगे चलकर और भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली 10 न्यूमेरिकल आपके लिए रखा गया है लास्ट में, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहें। व्हाट इज द थ्रस्ट पर एरिया इज कॉल्ड, तो थ्रस्ट पर एरिया जो है इसे क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट पर एरिया जो है ये होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन स्काई एवरी रेन ड्रॉप्स इन एटमोसफेयर एक्ट्स लाइक, तो ऑब्वियसली रेनबो जो फॉर्म होता है, लाइट जो है 7 डिफरेंट कलर में स्कैटर हो जाता है, तो यहाँ पे जो रेनड्रॉप्स होंगे ये ऑब्वियसली जो है ये प्रिज्म की तरह जो है ये काम करेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो है इसी के वजह से जो है ये होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, रेनड्रॉप्स जो है ये प्रिज्म की तरह जो है ये काम करते हैं। हु डिस्कवर द फैक्ट दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, किनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था, तो ये जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है ये डिस्कवर किया गया था। हाउ ए वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन ए सर्किट टू मेजर वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर हरदम पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, एम मीटर हरदम सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। नोट डाउन करें, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर वोल्टेज, एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करेंट, तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2, पैरेलल, ठीक है। विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो कौन सा जो है बेसिकली लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो है ये देता है, तो इसका सही जवाब है यह है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F=F×A, मास इंटू एसलेशन, ठीक है। F=M×A, मास इंटू एसलेशन जो है ये होता है, M×A, force=mass×acceleration। विच ऑफ द टू कलर ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म द एक्सट्रीमीज, तो कौन सा दो कलर जो है ये एक्सट्रीमीज जो है ये फॉर्म करते हैं ये पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ये है वायलेट एंड रेड। व्हाइट लाइट कंप्राइज ऑफ विव्योर, अगर हम देखें 7 डिफरेंट कलर का होता है, तो दो एक्सट्रीमीज देखें तो इस एक्सट्रीम में देखें तो वायलेट होता है विव्योर का वी सबसे पहले, और लास्ट में क्या होता है आर होता है, ठीक है, रेड। तो दो एक्सट्रीमीज कौन कौन से हैं, ये हैं वायलेट एंड रेड, ये बिल्कुल ध्यान रखना। क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट किया गया, कुछ नहीं किया गया, थोड़ा सा घुमा के ही पूछा गया, दो एक्सट्रीमीज जो है ये है वायलेट एंड रेड। विव्योर में अगर देखें वी से स्टार्ट हो रहा है, आर से जो है खत्म हो रहा है, तो दो एक्सट्रीमीज हो गए वी एंड आर। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज, तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ये एम्पेयर पर मीटर जो है ये होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कैनल रे इज ए बीम ऑफ पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, न्यूट्रल आयंस, नन ऑफ दिस, तो कैनल रे बेसिकली कैनल रे जो है एनोड रेज ही होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव आयंस जो है ये होते हैं, ये पॉजिटिव आयंस जो है ये कैरी करते हैं।
ए कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर, तो कैपेसिटर बेसिकली क्या स्टोर करता है, तो कैपेसिटर जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये स्टोर करता है, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। तो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट भी क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और से आपके लिए एक क्वेश्चन रखा गया इस वीडियो में भी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा आगे चल के, एक क्वेश्चन आपके लिए भी हमने फ्रेम किया है उसका भी सही जवाब आपको देना है। फैथम इज ए यूनिट ऑफ, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर थ्री लेंथ। फैथम किसका यूनिट है, ये लेंथ का जो है ये यूनिट है। डैश इज द मेजरमेंट ऑफ द पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो इसे क्या कहा जाता है, वेट जो है ये ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, मास जो है ये एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी होता है, तो वेट जो है इसका सही जवाब है, वेट इज द मेजरमेंट ऑफ पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री। वन पार्सेक इज इक्वल टू डैश लाइट ईयर, तो वन पार्सेक जो है इक्वल टू कितना लाइट ईयर होता है, तो इसका सही जवाब है ये है 3.26 लाइट ईयर, तो इसका सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर टू, 3.26 लाइट ईयर होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल मे बी एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर वन ओम मीटर, रेजिस्टिविटी जो है ये ओम मीटर में जो है इसे मेजर किया जाता है। मैग्नेटिज्म इज कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो मैग्नेट्स होते हैं या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होते हैं ये किस वजह से जो है क्रिएट होते हैं, दे आर क्रिएटेड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो है ये क्रिएट होते हैं, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर वन इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिज्म इज कॉज्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है। स्पीड ऑफ साउंड डैश विल डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ये डिक्रीज होता है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, एंड स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि एयर का डेंसिटी ऑब्वियसली जब इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे साउंड को जो है ट्रैवल करने में दिक्कत होगा, जो एयर का डेंसिटी अगर कम होगा तो साउंड जो है यहाँ पे और ज्यादा जो है स्पीड से ट्रैवल करेगा, इस वजह से ये होता है। एंडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये क्वेश्चन काफी बार बना है रेलवे के एग्जाम में, जरूर ध्यान रखना। तो एंडोस्कोप इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंडोस्कोप में अगर हम देखें तो बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जो कि बेसिकली इमेज ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं, सो एंडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन पेरिस्कोप द टू प्लेन मिरर आर केप्ट, तो पेरिस्कोप में अगर आप देखें, यहाँ पे हमने डायग्राम नहीं लिया है लेकिन एक बार इंटरनेट में जरूर डायग्राम देख लेना या बुक में जरूर देख लेना, तो पेरिस्कोप में जो दो प्लेन मिरर लगाए जाते हैं या फिर मल्टीपल प्लेन मिरर भी लगाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने लेवल ऑफ पेरिस्कोप ये है, ठीक है, तो ये जो प्लेन मिरर जो एडजस्ट किए जाते हैं ये पैरेलल टू ईच अदर जो है ये एडजस्ट किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। अभी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है, जैसे हमने प्रीवियसली कहा था कि एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, इसका सही जवाब आपको देना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन इस बार आपके लिए छोड़ा गया है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल साथ में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी डिटेल में पढ़ के जाना है। अब हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम ना हो। What is the density of material of 0.45 cubic meter of it has mass of 200 gram? तो पार्ट 5 में भी हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला आपको बताया था, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, ठीक है, डिनोट करते हैं P से, डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकालना है, ये इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम, नोट डाउन कर लें, ठीक है, मास केजी में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब में जो है मेजर करते हैं, तो मास जो है ये केजी में किया जाता है, दिया किस में गया है, ग्राम में दिया गया है, तो 200 ग्राम को केजी में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 जो है ये केजी हो जाएगा, ठीक है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 0.45, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.44 केजी पर मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर, डिवाइड करके बिल्कुल यहाँ पे जरूर देख लेना, यहाँ पे फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करते हैं, बाकी आप खुद से जो है यहाँ पे पुट करके यहाँ पे जरूर देख लेना, आंसर जरूर आ जाएगा क्योंकि मैथ भी ऑब्वियसली पूछा जाएगा, आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रखा है तो ऑब्वियसली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला जाना इंपॉर्टेंट है। ए मेटल बॉल हैज ए मास ऑफ 300 ग्राम, कैलकुलेट इट्स वेट ऑन अर्थ, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, नोट डाउन करें, वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये स्मॉल जी ही है, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, और यहाँ पे आपको क्या निकालने गया है, पूछा गया है कि क्या निकालना है, तो वेट निकालना है, वेट ऑन अर्थ, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, ठीक है, स्मॉल जी जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे मास किस में हम जो है ये करते हैं, के जी में मेजर करते हैं, इसमें दिया गया 300 ग्राम है, तो 0.3 ये के जी हो जाएगा इंटू 9.8, तो ये कितना आ जाएगा, इसका जो सही आंसर है ये है 2.94 न्यूटन जो है ये हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 2.94 न्यूटन जो है ये होगा। ये कार हैज़ ए मास ऑफ 7500 केजी, इट ट्रेवल ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द कार, तो मोमेंटम ऑफ द कार जो है यहाँ पे मेजर करना है, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, नोट डाउन करें, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास केजी में मेजर किया जाता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है, दोनों दिया गया है, ये केजी में दिया गया है, ऑब्वियसली मोमेंटम निकालना है तो
1500 इंटू 25 मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम मोमेंटम जरूर जो है ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा अगर हम ये मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो इसका सही जवाब होगा ये होगा ये वाला, ठीक है, 187500 kg मीटर पर सेकंड ईस्ट के डायरेक्शन में, क्योंकि ये ट्रेवल कर रहा है ईस्ट में, ठीक है, इसी वजह से ईस्ट ये सही जवाब होगा। तो जरूर इसे कैलकुलेट भी कर लेना, कैलकुलेट करना आपका काम है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स किस तरह सॉल्व करना है, फॉर्मूला क्या है ये हम आपको बताएंगे। एंड आइस स्केटर हैज ए मोमेंटम ऑफ 900 kg मीटर पर सेकंड एंड हैज ए मास ऑफ 600 ग्राम, कैलकुलेट द स्पीड, सेम ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हमने अभी क्या डिस्कस किया था, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम को भी पी से ही डिनोट किया जाता है, तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, यहाँ पे मोमेंटम दे दिया गया है 900 दे दिया गया है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मास भी दे दिया गया है 60 kg दे दिया गया, केजी में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी निकालना है, सिंपल है। वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 900 डिवाइडेड बाय 60 यहाँ पे कर देंगे, तो इसका जो सही आंसर आएगा ये क्या आएगा, इसका जो सही आंसर होगा अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड जो है इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है, एक बार डिवाइड करके जरूर देख लेना, 50 मीटर पर सेकंड जो है इसका ये सही आंसर होगा। कैलकुलेट द टाइम पीरियड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज 5 हर्ट्ज, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो क्या निकालना है यहाँ पे हमें, टाइम पीरियड ही तो निकालना है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f होता है, कितना दिया गया 5 हर्ट्ज, 1/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 सेकंड जो है ये हो जाएगा, ठीक है, 0.2 सेकंड इसका सही आंसर ये होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव दैट हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 2 मीटर, इस तरह का न्यूमेरिकल अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, स्पीड ऑफ द वेव वी से डिनोट किया जाता है, इक्वल्स टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ये होता है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज दे दिया गया है, वेवलेंथ मीटर में मेजर करते हैं हम 2 मीटर दे दिया गया है, तो स्पीड ऑफ द वेव क्या होगा, ये होगा 50 मीटर पर सेकंड जो है ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसी तरह का और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव दैट हैज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ 4 मीटर, तो स्पीड ऑफ द वेव वी से डिनोट किया जाता है, इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा ये होता है, ठीक है, वेवलेंथ जो होता है बेसिकली, तो स्पीड ऑफ द वेव दिया गया 20, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ कितना दिया गया 4 मीटर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 20/4 हो जाएगा, जो कि बेसिकली क्या होगा, ये होगा 5 हर्ट्ज का सही आंसर होगा। 2 एम्पेयर फ्लोज थ्रू 0.5 मीटर वायर, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, इट इज प्लेस्ड एट राइट एंगल इन 0.8 मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान रखना यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, नोट डाउन करें, फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसे बेसिकली टेस्ला में मेजर किया जाता है, इनटू करंट जिसे बेसिकली एम्पियर मेजर किया जाता है, इनटू लेंथ, ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, इस तरह का अगर यहाँ पे फोर्स पूछा जाए तो फोर्स इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू करंट इनटू लेंथ, बिल्कुल ये आप ध्यान रखें, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इनटू करंट जिसे आई से डिनोट किया जाता है, इनटू लेंथ ये होता है जिसे एल से डिनोट किया जाता है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0.8 टेस्ला दिया गया, तो 0.8 यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करंट कितना दिया गया है 2 एम्पियर दिया गया है, लेंथ कितना दिया गया है 0.5 मीटर ये दिया गया है, 0.5 मीटर ये दिया गया है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 जो है न्यूटन, ये इतना फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 0.8 न्यूटन। तो ये फॉर्मूला को बिल्कुल नोट डाउन जरूर कर लें। An object that is 2 cm tall forms an image of 250 cm tall. Calculate magnification. तो magnification यहाँ पे calculate करने जो है कहा जा रहा है. Magnification equals to क्या होता है? Image height by object height जो है ये होता है. तो 250 cm by 2. तो ये हो जाएगा 125 जो है ये इसका सही आंसर होगा. Magnification का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है? तो नोट डाउन कर ले, magnification equals to image height by object height जो है ये होता है. An object 1.8 meter tall form an image of 18 centimeter tall. Calculate the magnification. यहाँ पे magnification again जो है calculate आपको करना है. तो यहाँ पे same unit में हरदम convert कर देना. जैसे ये 18 centimeter यहाँ पे दिया गया है ना यहाँ पे. तो ये meter में दिया गया same unit में convert आपको कर देना है. तो ये कितना हो जाएगा? ये अगर हम 18 को convert करें into centimeter, 1.8 meter को really अगर हम convert करें अगर हम centimeter में, तो ये हो जाएगा 1.8 into 100 जो कि basically क्या होगा? ये होगा 180 जो है ये सेंटीमीटर होगा. तो इसे अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 180, तो ये होगा 0.1. तो 0.1 अगर हम देखें तो ये डिमिनिश्ड जो है मैग्निफिकेशन, अगर हम देखें ये डिमिनिश्ड है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 0.1. तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है? ये होता है इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ये होता है. तो कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया. वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ में शेयर जरूर कर देना. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.